yeah <laughs> सो हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कैसे हो आप लोग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग निरंजन शिखर तनिक्षा देव सिंगल प्राज्वल श्लोक सार्थक गर्वित नेहा तानिया पीएम सुदीक्षा आरिका आकाश गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग जशन गुड मॉर्निंग अनुज गुड मॉर्निंग करण गुड मॉर्निंग अनामिका कंचन कैसे हो आप लोग बेटा मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे गुड मॉर्निंग रोहित गुड मॉर्निंग सार्थक आई एम ऑल गुड और मैं बहुत बढ़िया हूँ सार्थक नमस्ते बेटा नमस्ते नमस्ते वाशु गुड मॉर्निंग मानिया निमित देव सिंगल तो बड़े आगे इनकम टैक्स की जर्नी में इनकम टैक्स की जर्नी आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए रेडी तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये चार्जिंग सेक्शन खोला था और हमने बताया हम इस पर बात कर रहे थे और हमने इस पर लेक्चर एंड कर दिया था ठीक है हमने इस पर चर्चा नहीं की थी हमने बस इसको लिख कर छोड़ दिया था ठीक है तो आज हम इस पर पहले चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है सेक्शन फोर चार्जिंग सेक्शन है आपका ये हार्ट है आपका किसी भी टैक्सेशन लॉ का हार्ट है जब भी आप जीएसटी पढ़ोगे उसके अंदर भी चार्जिंग सेक्शन पढ़ना है इनकम टैक्स में भी चार्जिंग सेक्शन पढ़ना है कोई भी टैक्सेशन लॉ में चार्जिंग सेक्शन के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो एक बार फिर से बता देता हूं चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है ये सेक्शन आपको बताएगा कि ऐसी कौन सी घटना आपको करनी है ऐसी कौन सी घटना घटेगी तो आप पे टैक्स लगेगा ऐसा कौन सा इवेंट आएगा तो आप पे टैक्स लगेगा यह बताता है यह पर्टिकुलर सेक्शन ठीक है तो तीन लाइन है एक बार फिर से पढ़ लेता हूं फिर इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं ठीक है डिटेल में विश्लेषण करते हैं टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ प्रीवियस ईयर शेल बी चार्ज टू टैक्स इन दीसमेंट इन सब शब्दों का मतलब समझना है अपने को। सर पर्सन का मतलब क्या होता है सर टोटल मतलब मतलब इनकम में कितनी किस्म की इनकम आती है इन सब पे मैं बात करूंगा अभी एक एक करके आज के लेक्चर में हम लोग इस पर बात करेंगे प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है और पर्सन का मतलब क्या होता है टोटल इनकम के बारे में हम लोग शायद आज बात नहीं कर पाएंगे उसके लिए एक दो लेक्चर और रुकना पड़ेगा तभी जाकर हम उस पर बात कर पाएंगे कि उसमें क्या क्या आता है ठीक है फिलहाल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जो आज के बाद आपके हर लेक्चर में ये शब्द आने वाले हर लेक्चर में एक भी लेक्चर ऐसा नहीं जाएगा आज के बाद जब हम इन शब्दों के बारे में बात नहीं करेंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ठीक है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है सर ये आपको हर लेक्चर में काम आने वाला है हर लेक्चर एक भी लेक्चर आप जब भी इनकम टैक्स पढ़ने बैठोगे इन दो शब्दों के बगैर इनकम टैक्स पढ़ ही नहीं पाओगे आप ये हर सेंटेंस में दिखेगा आपको हर सेंटेंस में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर तो हमको समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या है ठीक है तो मैं इन दोनों शब्दों का मतलब समझा रहा हूं अभी आपको एक एक करके प्रीवियस ईयर का मतलब और फिर असेसमेंट ईयर का मतलब आई स्टार्ट प्लीज बोलिए तो जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सुनिए बेटा सुनिए एक फरवरी 2023 को बजट आया बजट जो होता है ये एक प्रपोजल होता है वो एक बिल होता है वो एक्ट नहीं होता है नहीं नोटिंग नहीं करनी है नोटिंग अभी जब करनी होगी बोलूंगा फिलहाल बेटा मत पूछो मैं बताऊंगा कब नोटिंग करनी है, ठीक है एक फरवरी 2023 को बजट आया ठीक है सर बजट आया बजट कौन से साल के लिए आया बताओगे आप लोग मुझे कौन से साल के लिए आया बजट दिस बजट इज फॉर विच इयर दिस बजट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 2023 2024 ये इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट आया है ठीक है सर ये फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक चलेगा ठीक है अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल आप सबसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं एकदम कॉमन सेंस वाला सवाल है मुझे बताओ ये साल में आपने इनकम अर्न की इनकम क्या की अर्न की इनकम अर्न की अर्न की मतलब कमाई अलग अलग किस्म की इनकम कमाई होगी आपने सैलरी कमाई होगी प्रॉफिट कमाया होगा कुछ भी कमा सकते हो ठीक है एक्सेट्रा अब मेरा आपसे एक बुनियादी सवाल है कॉमन सेंस वाला सवाल है पूरा सब्जेक्ट कॉमन सेंस पे चलता है ठीक है कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है इनकम टैक्स ठीक है जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट है जब तक साल खत्म नहीं होता है जब तक साल खत्म नहीं होता है क्या मैं इनकम अपनी निकाल पाऊंगा मैंने कितना कमाया बताइए क्या मैं अपनी इनकम निकाल आज मैं कौन सी तारीख में खड़ा हूं आज है 16 फरवरी 2024 क्या मैं आज मुझे पता है 23 चौबीस में मेरी इनकम कितनी होगी एग्जैक्ट पता रहेगा आज की तारीख में आज मुझे पता है 16 फरवरी को मेरी एग्जैक्ट इनकम कितनी होगी नहीं पता है नहीं नहीं पता है क्योंकि अभी भी बच्चे एडमिशनस ले रहे हैं अगले और डेढ़ महीने में कितने बच्चे एडमिशनस लेंगे मुझे नहीं पता देयरफॉर फॉर यह मुझे नेक्स्ट ईयर में ही पता चलेगा नेक्स्ट ईयर अब मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर कौन सा ईयर है नेक्स्ट ईयर है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ठीक है क्या मैं कह सकता हूं मैं अपना जो टैक्स है वो यहां कंप्यूट करूंगा फॉर फाइनेंशियल ईयर बोलो व्हाट चौबीस एवरीबडी अग्रीज टू दिस सब लोग इससे अग्री करते हो बेटा कि इस साल का टैक्स कंप्यूट करने के लिए तो मुझे साल खत्म होने का वेट करना ही पड़ेगा मैं साल खत्म होने के पहले इस साल का टैक्स कंप्यूट नहीं कर सकता हूं क्योंकि जब तक साल खत्म नहीं होता है मुझे नहीं पता है मेरी इनकम में क्या क्या आने वाला है कितना आने वाला है इकतीस मार्च खत्म हो जाएगा तो अगले साल के पहले दिन के बाद मैं अपने कंप्यूटेशन की तैयारी कर सकता हूं ठीक है तो मुझे बताओ क्या इस साल में आप पिछले साल के लिए बहुत गौर से सुनना मेरे शब्दों को क्या इस साल में आप पिछले साल के लिए टैक्स कंप्यूट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताइए कर रहे हो ना पिछले साल के लिए तो जिस साल के लिए टैक्स कंप्यूट कर रहे हो वो पिछला साल हुआ कि नहीं आपका जिस साल के लिए टैक्स कंप्यूट कर रहे हो वो पिछला साल हुआ ना करंट ईयर के लिए तो टैक्स कंप्यूट नहीं कर सकते हो पिछले साल के लिए ही कर सकते हो इसलिए इस पिछले साल को सरकार इंग्लिश में क्या बोलती है अब आप लोग ही बताओ जिस साल के लिए टैक्स कंप्यूट कर रहे हो उस साल को सरकार क्या बोलती है प्रीवियस ईयर क्या मैं कह सकता हूं प्रीवियस ईयर वो साल है जिस साल के लिए आप टैक्स कंप्यूट कर रहे हो करेक्ट ये बोल सकता हूं मैं अलग अलग नाम देता हूं प्लीज जवाब दो दूसरा सवाल दूसरे दूसरा नाम भी दे सकता हूं ठीक है अच्छा मैं ये भी बोल सकता हूं प्रीवियस ईयर वो साल है जिस साल में मैंने इनकम कमाई थी बोलिए जिस साल में इनकम कमाई थी उस साल को क्या बोलोगे प्रीवियस ईयर बोलोगे करेक्ट अच्छा अब जिस साल में इनकम कंप्यूट कर रहे हो टैक्स कंप्यूट कर रहे हो उस साल को हम क्या बोलेंगे बोलो असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर मतलब असेस करना असेस करने का मतलब क्या होता है बताओ इंस्टीट्यूट आपका पेपर असेस कर रही है तो क्या कर रही है इंस्टीट्यूट आपका पेपर चेक कर रही है बराबर कंप्यूट कर रही है आपने कितना नंबर लेकर आए कितने मार्क्स आए आपके राइट उसी तरीके से इनकम कंप्यूट कब करोगे आप असेसमेंट ईयर में देर फॉर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जिस साल में इनकम कमाओगे उस साल को आप क्या बोलोगे आज के बाद इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर ज्यादा यूज नहीं करने का प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ये वर्ड ज्यादा यूज होता है फाइनेंशियल ईयर यूज भी कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी सजा नहीं हो जाएगी आपको बट टेक्निकली आप गलत हो आपको टेक्निकली कानून के तौर पे अगर बात करूंगा तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात करना है ठीक है प्रीवियस ईयर वो साल है जिस साल में आप इनकम कमाते हो असेसमेंट ईयर वो साल है जिस साल में आप टैक्स को निकालते हो इज इट क्लियर टू एवरी वन मी आई होप इट इज क्लियर तो अब हम थोड़ा सा इस पे कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं ठीक है तो सब लोग अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग दो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर हेडिंग दो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है यस yes, सुदीक्षा एकदम परफेक्ट है बेटा हा सबसे पहले हेडिंग दो प्रीवियस ईयर उसके नीचे मेरे साथ लिखो प्रीवियस ईयर मींस A financial year, a financial year, which is April to March, in which income is earned, in which income is earned. example if income is earned in financial year two thousand twenty-three twenty-four, then financial year 23 24 विल बी कॉल्ड एस प्रीवियस ईयर सर कहा इसका डेफिनेशन इसका डेफिनेशन सरकार ने सेक्शन थ्री में दिया है कहां दिया है सेक्शन थ्री में ठीक है लिख रहे हो आप लोग मेरे साथ बेटा अब असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है असेसमेंट ईयर मीन्स विच कम्स आफ्टर प्रीवियस ईयर बराबर प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर के अगला साल होता है ना असेसमेंट ईयर बताइए बोलिए असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच टैक्स इज असेस्ड दैट इज कंप्यूटेड करेक्ट अब नीचे बड़े शब्दों में लिखना फॉर नवंबर 2024 एग्जाम्स बजट एप्लीकेबल बोलो इज इक्वल टू कौन सा बजट एप्लीकेबल है बजट बजट फाइनेंस एक्ट 2023 प्रीवियस ईयर कौन सा प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा वो कौन से साल में इनकम कमाओगे तो उसके लिए वो बजट एप्लीकेबल है 2023 का बजट कौन से साल में इनकम कमाओगे उसके लिए एप्लीकेबल है प्रीवियस ईयर 23 24 और उसका इनकम कंप्यूटेशन कब करोगे बताइए या इौबीस पच्चीस इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू इज इट क्लियर आई होप इट इज क्लियर राइट बेटा सर इसमें भी जीएसटी जैसा सिस्टम हो सकता था मंथ वाला तो वैसे क्यों नहीं किया पॉसिबल ही नहीं है देखो मैं लॉजिक बताता हूं श्लोक खत्री ने बोला जीएसटी वाला, वाला। किस पे लगता, है? आपको है? टर्न पे लगता है किस पे लगता है जीएसटी टर्न पे लगता है आपके सेल्स पर इनकम टैक्स आपके प्रॉफिट पे लगता है मुझे बताओ क्या प्रॉफिट आपको मंथली पता चल पाएगा क्या बताइए सब लोग बताइए

इनकम टैक्स इसलिए पूरे साल का इकट्ठा ही निकाला जाता है साल खत्म होने के बाद इज एवरी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर प्लीज प्रीवियस ईयर आपने बोला सर बारह महीना होता है हाँ बारह महीना होता है अप्रैल से मार्च सर हाँ अप्रैल से शुरू होगा मार्च में खत्म हो जाएगा प्रीवियस ईयर अच्छे से अंदर दिमाग के अंदर गुदवा लो ये कॉन्सेप्ट ठीक है प्रीवियस ईयर वो साल है जिस साल में आप इनकम कमा रहे हो और उसका इनकम का टैक्स कब निकालोगे असेसमेंट ईयर में नाम से ही पता चलता है असेसमेंट करने वाला साल है असेसमेंट मतलब कंप्यूटेशन करने वाला साल है अब इसमें एक एक्सेप्शन है प्रीवियस ईयर के अंदर एक्सेप्शन इन प्रीवियस ईयर ठीक है अब हम लोग इसको नीचे लिखेंगे एक्सेप्शन इन प्रीवियस ईयर लिखो जरा एक्सेप्शन टू प्रीवियस ईयर एक एक्सेप्शन है इसमें कोई पूछ रहा है असेसमेंट ईयर का सेक्शन सेक्शन टू ब्रैकेट सेवन ठीक है अगर किसी को लिखना है तो बट याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं मैं बताऊंगा कौन से सेक्शन आपको याद रखने चाहिए और कौन से नहीं और बैच खत्म होने पे मैं एक लिस्ट भी दे देता हूं जनरली वो लिस्ट आप कम से कम उतनी याद कर लो बस ठीक है सारे याद करने के चक्कर में मत जाना ठीक है याद करोगे तो अच्छा है बट याद नहीं रहता है जनरली जनरली लिखो मेरे साथ जनरली प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल एंड एंड जॉन थर्टी फर्स्ट मार्च करेक्ट लेकिन अब एक सिचुएशन सुनो मान लो मैंने अपना बिजनेस अगस्त में शुरू किया फर्स्ट अगस्त से तो फिर तो मैं ये नहीं बोल सकता ना मेरा प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल जब मेरा बिजनेस ही अगस्त में शुरू हुआ जब मेरी इनकम ही अगस्त से आना शुरू हुई उससे पहले कोई वजूद ही नहीं था मेरा मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था तो मैं उसको कैसे बोल सकता हूं कि वो मेरा प्रीवियस ईयर है देर फॉर इफ बिजनेस स्टार्ट ड्यूरिंग द ईयर दैट इज से ऑन फर्स्ट अगस्त 2023, थाउजेंड देन प्रीवियस ईयर विल बी फ्रॉम फर्स्ट अगस्त 2023 थाउजेंड ट्वेंटी टू बोलो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर दैट इज शॉर्टर पीरियड एक शॉर्टर पीरियड को आप क्या मानोगे बोलिए ना बेटा प्रीवियस ईयर मानोगे इज एवरी वन क्लियर विथ दिस प्लीज टेलमी प्रीवियस ईयर आपका दो दिन का भी हो सकता है हो सकता है प्रीवियस ईयर दो दिन का बताइए प्रीवियस ईयर तीन सौ पैंसठ दिन का भी हो सकता है दो दिन का भी हो सकता है एक दिन का भी हो सकता है अगर आपने बिजनेस ही तीस मार्च को शुरू किया तो साल के आखिर में तो उस दो दिन में जो भी कमाया उस पर आप अगले साल टैक्स दे, दे देना और क्या ठीक है आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इज एवरी वन हंड्रेड परसेंट क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है चलो ठीक है बढ़िया ये लिख लिया सबने सबने लिख लिया चलो ठीक है हाँ अब आते हम लोग वापस से अपने आप लोगों को अगर इसका भी फोटो लेना है तो ये फोटो ले लो आप लोग क्योंकि ये इससे भी और और समझ में आ जाएगा अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है फिर जरूरत नहीं है ठीक है, बजट कौन सा लगेगा मैंने पचास बार बता दिया एक बार नहीं 2023 वाला बजट लगेगा 24 वाला नहीं लगेगा वो पूरा लॉजिक के साथ बताया कि 23 वाला क्यों लगेगा 24 वाला क्यों नहीं लगेगा बेटा आप लेट आए हो शायद यहां पर आते आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये सब कुछ दिया गया आपकी टेक्स्ट बुक में ठीक है ये आपका चार्जिंग सेक्शन है पेज नंबर 1.2 पर टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर क्या हो गया हमारा प्रीवियस ईयर हो गया असेसमेंट ईयर हो गया ठीक है अब सेंटेंस वापस से पढ़ो देखो लॉजिकली एक-एक चीज अभी एक-एक परत खुलना शुरू हो जाएगी इसकी टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ प्रीवियस ईयर इनकम कौन से साल की है बलदी बताओ सब लोग इनकम कौन से साल की है प्रीवियस ईयर की है और उसको टैक्स कब लगाओगे आप टैक्स कब लगाओगे असेसमेंट ईयर में ठीक है अब उसके नीचे उसका डेफिनेशन है जो मैंने आपको क्लास में लिखवाया वैसा ही कुछ है ठीक है यहां पर उसका डेफिनेशन है हां अब सुनो इधर देखो मेरी तरफ ये रूल है आपका कि ये साल की इनकम ये साल में टैक्स होगी ठीक है अब बोर्ड पे देखना जरा ये फाइनेंशियल ईयर तेईस चौबीस चल रहा है ये आपका प्रीवियस ईयर है एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे पूरा स्टडी मटेरियल इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा पूरा ये असेसमेंट ईयर चौबीस पच्चीस है इनकम yes, कमाने वाला साल है और ये टैक्स कंप्यूट करने वाला साल है अगले साल में बैठ के कंप्यूट करो ये जनरल रूल है टैक्सेशन लॉ का और लॉजिक भी बहुत सिंपल है जब तक साल खत्म नहीं होगा मैं कैसे कंप्यूट करूंगा अपनी इनकम आज आप मुझे बोलोगे 16 फरवरी को एलडाइन सीए को बोलो प्रॉफिट बताओ कितना एलडाइन सीए क्या भगवान, भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाए तो भगवान शायद बता दे क्योंकि वो भगवान ने भगवान ने को छोड़ के शायद और कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है हम तो नहीं बता पाएंगे भाई इंसान तो नहीं बता पाएगा कि कितना प्रॉफिट है आज की तारीख में क्योंकि मुझे अभी अगले 45 दिन का भी डेटा नहीं लेना पड़ेगा मैं फ्यूचर नहीं देख सकता यहां बैठे बैठे ये जनरल रूल है ये पूरी दुनिया में ऐसी टैक्सेशन लॉ चलता है इनकम टैक्स ऐसे ही चलता है पूरी दुनिया में एक साल में कमाओगे अगले साल में कंप्यूट करोगे फिर अगले साल कमाओगे उसके अगले साल कंप्यूट करोगे फिर उसके अगले साल कमाओगे उसके अगले साल कंप्यूट करोगे लेकिन अब सुनो अब सरकार ने कुछ एक्सेप्शन लाया है जिसमें सरकार बोल रही है नहीं जब कमाया तभी देना पड़ेगा जब कमाया तभी ही देना पड़ेगा मतलब 23 24 में इनकम कमा रहा हूं तो टैक्स भी 23 24 में ही देना पड़ेगा सर ये किसके लिए है ऐसे कैसे पॉसिबल है और ये क्यों किया सरकार ने और किसके लिए किया ये सब लॉजिक सुनोगे ना तो ही समझ आएगा नहीं तो बाकी सब रटवा देते हैं मैं लॉजिक से बताऊंगा आपको पहले मैंने आपको ये लॉजिक बताया कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स क्यों करना है सेम ईयर में क्यों नहीं हो सकती है अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं सरकार ने कुछ यहां पर कर दिया है कांड चार पांच एक्सेप्शन दे दिए बोला उन केसेस में आपको इसी साल में टैक्स भरना पड़ेगा मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूं मिसाल के तौर पे ठीक है लोविश अरोरा जी है हमारे ठीक है लोविश अरोरा जी जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं दिल पे मत लेना लोविश ठीक है दे सकता हूं एग्जांपल लोविश जी का मैं पहले उनका परमिशन ले, ले लेता हूं अनुमति ले, ले लेता हूं लोविश जी श्लोक शर्मा बोल रहे सर मेरे पर दे दो सर मेरे पर चलो श्लोक शर्मा पे और लोविश अरोरा दोनों पर दे देता हूं मेरे एक सवाल का बेसिक सवाल का बुनियादी सवाल का जवाब दो आप सभी लोग ठीक है आज 16 फरवरी है अगर भारत सरकार को पता चलता है कि लोविश भाई लोविश भाई 29 फरवरी को विजय माल्या बनने वाले हैं क्या बनने वाले हैं विजय माल्या मुझे बताइए तो क्या भारत सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहेगी असेसमेंट ईयर तक बताइए मेरा आपसे सिंपल सवाल है क्या भारत सरकार को पक्का पता है ये जाने वाला है भागने वाला है विजय माल्या बनने वाला है माल्या के साथ बैठ के उधर क्रिकेट मैच देखेगा बोलो तो भारत सरकार ऐसे लोगों को जब मालूम है जाने वाला उड़ के तो क्या भारत सरकार ऐसे लोगों के लिए हाथ पे हाथ बोलेगी बेटा जाने दे अभी तो प्रीवियस ईयर ईयर है तू में टैक्स कंप्यूट करके दे देना अरे नालायकों को आज ही पकड़ के धर दबोचू कि नहीं दबोचू बताओ मुझे जल्दी से दबोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इनको हाँ आज ही कुछ इलाज करना पड़ेगा इनका भारत सरकार के पास वीजा का डेटा आ चुका है टिकट आ चुकी है तो, तो गवर्नमेंट बोलती है डोंट वरी अभी जितना अभी तक कमाया उस पर दे, दे छोड़ आगे का बाद का बाद में देखेंगे ठीक है अभी तक जो सोलह फरवरी तक कमाया उस पर कितना टैक्स बनता है वो दे और फिर जाने तो जाने नहीं देंगे उन्तीस तारीख को तुझे तो ये एक्सेप्शन क्रिएट करना सही है कि नहीं है बताइए मुझे हा हर चीज एक ही कानून से नहीं चल सकती ना देश में ऐसे चार पांच एक्सेप्शन बनाया सरकार ने सबका लॉजिक दूंगा मैं आपको देखेंगे एक्सेप्शन अगले पेज पे आओगे आप पेज नंबर 1.3 पर ठीक है यहां पर आ जाना जनरली इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर जनरल रूल है ठीक है ये जनरल रूल है जनरली इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज प्रवियस इन द असेसमेंट ईयर ईयर फॉलोइंग प्रीवियस ये जनरल है बट एक्सेप्शन देखो पांच है पांच पहला केसेस वेर इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज अड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ सब रटवा दूंगा मैं क्लास में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं तुम ध्यान दो बस लॉजिक से ध्यान दो बस सबसे पहला है लाइन से मैं बता रहा हूं जो किताब में मैंने जो बताया वो सेकेंड पॉइंट है देखो पर्सन लिविंग इंडिया पर्सन लिविंग इंडिया अगर कोई बंदा इंडिया छोड़कर जा रहा है देखो इंडिया तो लोग रोज हजारों लोग छोड़कर जाते हैं जाते कि नहीं जाते बताओ मुझे बताओ इंडिया तो रोज लाखों लोग छोड़कर जाते क्या सब पे सरकार ये कानून लगा देगी हाँ अभी मैं गया था इंडिया पिछले मैंने इंडिया छोड़ के बाहर गया था तो क्या सब पे सरकार नहीं, नहीं, नहीं। जिसपे शक होता है उस पर लगाती है ठीक है जिसपे शक होता है जिस पे सरकार को लग रहा है कैसे करती पता है, सरकारी है? जिस पे सरकार को लग रहा है कि भाई ये बंदे ने तो यहां सब बेच बाच डाला है ठीक है और इसने सब पैसा इंडिया के बाहर ट्रांसफर कर दिया है ठीक है अब बस ये निकलने के चक्कर में ना घर छोड़ा ना बीवी छोड़ा ना बच्चे छोड़ा सब चले गए हैं ठीक है थीके? ऐसे लोगों को पकड़ती है अरे आर यू क्लियर हर किसी को नहीं पकड़ेगी ठीक है और बड़े 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 टैक्स पेयर होंगे उनको ही पकड़ेगी दो चार लाख रुपए का टैक्स अगर छुरा रहा है तो उसको नहीं पकड़ लेगी ठीक है सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद दिस हर किसी को सरकार पकड़ नहीं सकती है इतना पॉसिबल ही नहीं है ठीक है तो पर्सन लिविंग इंडिया दूसरा अब फर्स्ट वाले पॉइंट का लॉजिक बता बताता हूं शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट इधर देखो जरा इसका लॉजिक बताता हूं शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट मेरी तरफ देखो आज 16 फरवरी 2024 लॉजिक समझो यहां पर एक नॉन रेजिडेंट है बाहर का नागरिक कहां का सर सिंगापुर का सिंगापुर का नागरिक है मिस्टर ए वो एक शिप ओनर है उसके पास शिप है जहाज है पानी का जहाज ठीक है अब वो 16 फरवरी को मुंबई आता है मुंबई पोर्ट ठीक है मुंबई पोर्ट आता है और यहां से पैसा कमाता है कुछ कमाएगा पैसे आके बोलो ना मुंबई पोर्ट आके पैसे कमाएगा हाँ कमाएगा मुंबई से लोगों को लेकर जाएगा तो पैसे कमाएगा मुंबई से सामान लेकर जाएगा तो पैसे कमाएगा तो मुझे बताओ भारत में आके पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है कोई भारत में आके पैसा कमाता है तो भारत सरकार छोड़ेगी उसको बताइए ये आईपीएल वाले भारत में आके क्रिकेट खेलते है भारत सरकार छोड़ती है उनको क्या लगता है तुमको इनकम टैक्स लेती है कि नहीं लेती उनसे हाँ सिलेबस में पढ़ना भी है आपको ये क्रिकेटर्स लोग आके खेलते हैं तो उसका कितना टैक्स लगता है है वो सब पढ़ना है तुमको सिलेबस का पार्ट है तुम्हारे सीए इंटर में है वो सब कुछ तो मुझे बताओ ये आया मुंबई पोर्ट में मुंबई पोर्ट में आया पचास लाख रुपए कमा लिया अब मुझे बताओ ये पचास लाख कमा के निकल लेगा क्या गारंटी है वापस आएगा कोई गारंटी है उसकी बताइए क्या गारंटी है वापस आएगा कोई गारंटी है बिल्कुल नहीं है तो भारत सरकार क्या बोलती है कि भाई जब जा रहे हो तभी देखे जाओ ना तो जाने नहीं देंगे ठीक है नॉन रेजिडेंट की अगर शिप इंडिया आके पैसा कमाती है ना तब टैक्स दो अब भी अब भी टैक्स दो सोलह फरवरी को ही टैक्स देना पड़ता है इनको इनको जाने नहीं देती है हरी झंडी नहीं दिखाते वो कस्टम वाले पोर्ट वाले हरी झंडी नहीं दिखाएंगे जाने ही नहीं देंगे पकड़ के रखेंगे तब तक सही किया कि नहीं किया बताओ आज ही टैक्स ले लेना नहीं नहीं टैक्स तो असेसमेंट ईयर में दिया जाता है ऐसा थोड़ी होता है बाकी सब केस में जनरली आप दो नेक्स्ट ईयर में टैक्स निकालो आराम से बैठ के अपने घर पे ठीक है बढ़ो आगे लॉजिक से पढ़ना है और बाकी दिमाग में याद रह जाएगा ठीक है डोंट वरी तीसरा AOP पहले AOP का फुल फॉर्म समझ लो AOP का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन नीचे उसका फुल फॉर्म है वैसे लिखने की जरूरत नहीं यहां देखो AOP और BOI ठीक है एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो नीचे का डेफिनेशन बाद में देखते बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब समझा रहा हूं ठीक है इन सब का क्या होता है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन फॉर्मड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस देखो हम लोग ने क्या किया है हम लोग तीन दोस्त मिलकर ना एक कंपनी बनाए ठीक है एक कंपनी बनाए एक कंपनी बनाए किसी एक जॉइंट वेंचर के लिए बनाए कि वो जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा तो सब अपने अपने रास्ते ठीक है थीके? तो तीन दोस्त मिलकर जब एक कंपनी बनाते हैं तो उसको वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाते हैं ठीक है थीके? तो उसको बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जब कुछ लोग साथ में आते हैं एक एंटिटी बनाते हैं छोटे मोटे पर्पस के लिए फिर बाद में तोड़ देते हैं एक छोटे मोटे जॉइंट वेंचर के लिए एक प्रोजेक्ट है हमारा कोई एक हमको कुछ काम मिला है तो हम तीनों दोस्त मिलकर कर रहे हैं तो मुझे बताओ एक काम मिला हम तीनों दोस्त ने मिलकर क्या किया एक जॉइंट वेंचर बना दिया ठीक है उसको इनकम टैक्स की भाषा में बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मान लो सोलह फरवरी को वो खत्म हो गया पर्पस ही खत्म हो गया जो पर्पस के लिए बनाया था वो पर्पस खत्म हो गया तो मुझे बताओ अब जब जिस पर्पस के लिए बनाया था वो पर्पस ही खत्म हो गया सोलह फरवरी को तो क्या मैं सोलह फरवरी को बैठ के टैक्स कंप्यूट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं बताइए मुझे कर सकता हूं ना कर सकता हूं तो गवर्नमेंट बोल रही है करो फिर काय के लिए असेसमेंट ईयर में ढकेल रहे हो जो चीज आप आज कर सकते हो करो जहां नहीं कर सकते हो वहां असेसमेंट ईयर में चले जाना और क्या ठीक है

भारत छोड़कर जाने के जिसके चांसेस ज्यादा है ठीक है मैं फिर से कह रहा हूं ये डाउट नहीं आना चाहिए भारत तो रोज लाखों करोड़ों लोग छोड़कर जाते हैं घूमने के उद्देश्य से कुछ काम के उद्देश्य से इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब टैक्स के चोर है ठीक है टैक्स के चोर कौन है टैक्स के चोर नहीं है वो सरकार डिसाइड करेगी ठीक है अब चौथा पॉइंट पढ़ता हूं मैं पॉइंट नंबर फोर सर एओपी में पार्टनरशिप फॉर ए पर्पस आएगी थोड़ी देर रुक जा बेटा नीचे का डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा एओपी और पार्टनरशिप फॉर्म का डिफरेंस क्या होता है दोनों अलग चीज है दोनों सेम चीज नहीं है ठीक है थोड़ी देर रुक जाना चौथा पॉइंट पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स सुनो श्लोक जी है हमारे ठीक है या लोविश जी है हमारे मैं भारत सरकार हूं श्लोक जी के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे इनकम टैक्स के ठीक है बहुत जान से सुनना बात है एक पॉइंट के पीछे लॉजिक लॉजिक ये आपको कोई किताब नहीं बताएगा ना ही इंस्टीट्यूट का इतना मोटा मोटा मटेरियल कोई लॉजिक बताता है सिर्फ का, कानून के प्रावधान है उसके अंदर ठीक है प्रोविजन है बस लॉजिक नहीं है किसी के पीछे का ना ही आपको गूगल बताएगा ये सब चीज ठीक है so, सो मान लो श्लोक के ऊपर बहुत सारे इनकम टैक्स के केसेस चल रहे हैं ठीक है थीके? श्लोक को भी पता है कि उसकी बैंड बजने वाली है पता है उसको श्लोक को पता है कि उसके ऊपर बहुत सारे बहुत सारा टैक्स आने वाला है ठीक है बहुत सारा टैक्स तो ऐसे केस में श्लोक क्या करेगा देखो श्लोक क्या करेगा श्लोक के पास जो प्रॉपर्टी वापर्टी होगी मुझे बताओ आगे जाकर बहुत टैक्स आएगा तो भारत सरकार वो प्रॉपर्टी बेचकर टैक्स लेने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी बताइए मुझे श्लोक को पता है ना ये चीज कि भाई अगर किसी की बहन बजने वाली है बहुत टैक्स आने वाला है तो उसकी प्रॉपर्टी बेचेगी सरकार नीलाम करेगी उसको पावर है उनके पास भयंकर पावर है नीलाम करने का रिलेटिव्स को बेच देगा वो ठीक है या किसी को गिफ्ट दे देगा अपने रिश्तेदारों को यस yes. तो जहां भारत सरकार को थोड़ी सी भी भनक लगती है कि एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है क्यों कर रहा है टू अवॉइड टैक्स टैक्स को बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी दे देता है किसी को भी ठीक है बाद में बोले बाद में ले लूंगा वापस ठीक है अभी तुमको गिफ्ट दे रहा हूं मैं रिलेटिव को गिफ्ट दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को दे रहा है बीवी को दे रहा है बच्चे को दे रहा है माँ बाप को दे रहा है भाई बहन को दे रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक और भी ऐसी लंबी लिस्ट है 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 इंटर सिलेबस में पढ़ोगे आप किस किस को गिफ्ट देना अलाउड है? माफ है। तो ये सब केसेस में ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स अगर भारत सरकार को पता चल जाता है देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है कि कैसे पता चलेगा इनको ये सब चीज वो मैं आ रहा हूं उसके ऊपर ठीक है उसके ऊपर आ रहा हूं मैं थोड़ी देर रुक जाऊँ कि अगर भारत सरकार को पता चलता है कि ये श्लोक खत्री जी ये तो अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट देने वाले या या बेच देंगे सस्ते में अपने रिलेटिव्स को अपने पहचान वाले को और बाद में जब टैक्स मांगने जाएंगे हम तो पल्ला झाड़ेंगे मेरे पास कुछ नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है मैं तो फकीर हूं पकड़ो इसको आज ही पकड़ो इसका आज ही आज ही फैसला करो हम असेसमेंट ईयर तक रुक नहीं सकते मिस्टर श्लोक के लिए ठीक है मिस्टर श्लोक बहुत ही भयंकर आदमी है उसके लिए असेसमेंट ईयर तक रुकना मतलब टैक्स से हाथ धोने के बराबर है अब आप बोलोगे कैसे पता चलता है भारत सरकार को हाँ अरे तो भारत सरकार क्या पागल बैठी है यहां पर इंटेलिजेंस है उनके पास इतना सारा अरे इंफॉर्मर उनके पास कितने सारे पता है पुलिस को कैसे पता चलता है कहां चोरी होने वाली है हाँ बताओ कैसे पता चलता है पुलिस को अरे जवाब दीजिए ना पुलिस को कैसे पता चलता है कहां चोरी होने वाली है कहां डाका डलने वाला है कैसे बेटा वो सेक्शन याद करना है नहीं करना है सब बताऊंगा यार पहले सब्जेक्ट पे तो ध्यान दो अभी पहला दूसरा लेक्चर ही है कहा इन सब बातों पे आ रहे हो पहले कॉन्सेप्ट तो याद करो सब पता चलता है ना वैसे ही इनकम टैक्स के अंदर भी इंफॉर्मर्स है पता है आपको देखो आज एक मैं ना आपको एकदम एक, एक रास की बात बता दू आज बता दो रास की बात थोड़ा एकदम धीमी आवाज में हाँ किस किस को रास की बात सुनना है जल्दी बोलो थोड़ा धीमी आवाज में बोलूंगा जो भी भारत सरकार को बताता है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो भी बताता है कि भाई ये देखो मेरे पड़ोसी के पास इतना पैसा है काला धन ये देखो ये ये करने वाला है ये देखो ये भागने वाला है पकड़ो इसको तो भारत सरकार उसको जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है ना उसका दस प्रतिशत देती है पता है आपको भारत सरकार की स्कीम है उसके ऊपर ये देखो इनकम टैक्स इनफॉर्मर ये दिख रहा है बोर्ड पे देखो क्या नाम है ये रूल का पढ़ो मैं ये इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना फिर से इंटर की क्लास छोड़ के ना ये काम चालू कर देते हैं इसलिए मैं नहीं बताता फिर सर साल में दो तीन ऐसे पकड़ लेंगे सर पड़ोस वाले और उनका इंफॉर्मेशन दे, दे देंगे भारत सरकार को दस प्रतिशत अपना दो तीन करोड़ रुपए का दस प्रतिशत बीस तीस लाख रुपया हो गया बस सुकून की जिंदगी दो तीन महीने में एक दो ढूंढ लो ये देखो इनफॉर्मर स्कीम है पूरी कितना रिवॉर्ड मिलेगा अलग अलग क्राइटेरिया इसमें इंटरिम रिवॉर्ड फाइनल रिवॉर्ड पांच करोड़ रुपए तक का मिलता है दिख रहा है कभी कभी पांच परसेंट कुछ केस में दस परसेंट दिख रहा है क्या तो आज के बाद ये सवाल कोई पूछेगा कि भारत सरकार को कहां से पता चलता है इंफॉर्मेशन हर चीज का बोलो और भी तरीके बट ये उनमें से एक ज्यादा फेमस तरीका है इंफॉर्मर ठीक है सब तुम्हारे आसपास के पड़ोस वाले दोस्त यार रिश्तेदार यही बता रहे सब गवर्नमेंट को तुम्हारी पोल खोल रहे हैं ठीक है थीके? नेहा चौहान उसका पूरा प्रोसीजर है कोई नंबर पे कॉल वॉल नहीं करना होता है एक पूरा प्रोसीजर है फॉर्म वॉर्म अपलोड करना होता है अभी जाने दो अभी ये सब चीज की एडवाइस चाहिए ना तो ना मेरा एक फॉर्म है मुंबई में उधर आने का ठीक है ये सब चीज का पैसा लेता हूं मैं फ्री में नहीं करता हूं ये देखो ये मेरा एड्रेस है ये एड्रेस है मेरा ठीक है इधर आने का हाँ तो उसका अलग से है ये इसमें इंक्लूड नहीं है वो ग्रुप वन में ठीक है बड़ो आगे तो पर्सन लाइकली टू अवॉइड टैक्स जहां पर भारत सरकार को लग रहा है ये बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा टैक्स बचाने के लिए ताकि बाद में बोले पल्ला झाड़ दे मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं नहीं है है देखो मैंने तो सब बेच दिया मेरा तो सब पैसा खत्म हो गया फिर पैसा अंडरग्राउंड ठीक है उसको आज ही पकड़ेंगे और आखिरी पॉइंट डिस्कंटिन्यूड बिजनेस सुनो अच्छे से गौर से आखिरी पॉइंट जिसमें टैक्स आज ही लगेगा असेसमेंट ईयर में नहीं लगेगा आज लगेगा डिसकंटिन्यूड कॉमन सेंस है देखो बिजनेस अगर डिसकंटिन्यू हो गया तो मुझे बताओ अगर दिस, बिजनेस दिसंबर में डिसकंटिन्यू हो गया तो क्या मुझे बताओ असेसमेंट ईयर तक वेट करने की जरूरत है आपको क्या आप दिसंबर में कंप्यूट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताइए बोलिए ना अगर बिजनेस दिसंबर में कंप्यूट होगा तो ज्यादा से ज्यादा जनवरी में कंप्यूट हो जाएगा आराम से आपको असेसमेंट ईयर तक वेट करने की जरूरत नहीं है तब तक की इनकम पे टैक्स दे दो मामला खत्म करो क्यों वेट करना है आपको तो बस ये पांच केसेस है पूरे इनकम टैक्स में बस यही पांच केसेस दिमाग पे जोर डालो और बताओ कौन कौन से पांच केसेस है जिसमें टैक्स आज लगेगा प्रीवियस ईयर में लगेगा असेसमेंट ईयर में नहीं पहला बोलो सब लोग पर्सन लिविंग इंडिया जो इंडिया छोड़ के जाने वाला है दूसरा नॉन रेसिडेंट का शिपिंग बिजनेस फिरंगी का शिपिंग बिजनेस तीसरा एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक्सेट्रा लोग जो पर्टिकुलर पर्पस और इवेंट के लिए फॉर्म होते हैं चौथा डिकंटिन्यूड बिजनेस किसी भी ऑर्डर में बोलो ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता है एग्जाम में किसी भी order में लिखो नहीं है रट्टा है मेरा पड़ोसी पर बहुत है आज ही खबर करता हूं गवर्नमेंट को अरे <laughs> यार तुम लोगों की जिंदगी मन बर्बाद करो मेरे वजह से प्लीज दिल पर मत लिया करो मेरी हर बात तुम जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो दिल पे लो जो बाहर की बातें कर रहा हो दिल पे मत लो तुम्हारा पड़ोसी मेरे को बदवा देगा फिर ठीक है ऐसे काम मत करो प्लीज कृपा करके बहुत ही ज्यादा मतलब सर देश दुआ देगी सर क्या दुआ देगी देश सर सिस्टम बढ़िया है वैसे चलो ठीक है बढ़िया सिस्टम है सिस्टम तो बहुत बढ़िया है आ जाते हम लोग अपने चार्जिंग सेक्शन पे ये आपका चार्जिंग सेक्शन है जो हमने कल लिखा था ठीक है यहां तक सबको क्लियर है बेटा प्रीवियस ईयर ईयर असेसमेंट और कौन कौन सी इनकम अभी आज ही टैक्स हो जाएगी प्रीवियस ईयर में इतना हमने आज के लेक्चर में अब तक पढ़ा है आई गो हैड़? स्टेप स्टेप बाय थोड़ा पेशेंस के साथ जाना पड़ेगा दो एक दो चैप्टर तक अपने को बहुत आराम आराम से आगे भी आराम से जाऊंगा मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है भाई हाँ लगता है लोविश इधर देखो जरा सर उसका जो भी आएगा दस परसेंट का उसका पचास परसेंट आपका कौन है ये देव मानुस? ये जो भी आदमी है वो अब भी लेक्चर छोड़ो अब भी जाओ वो बेचारा बोल रहा है कि सर जो भी मिलेगा ना आप दस परसेंट में से उसका आधा आपका सर तो तू लेक्चर भी मत सुन तू यही काम कर जो देखो मैंने अभी बताया पंद्रह मिनट पहले इन्फॉर्मर वाला लेक्चर वेक्चर तो क्या होता रहेगा जीवन में यस वो तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो बाद में किसने बोला लाइव देखना इंपॉर्टेंट है लाइव देखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है रिकॉर्डिंग देखो अगर ऐसा काम कर रहे हो तो मेरे को आधा दोगे तो नहीं तो लाइव इंपॉर्टेंट है ठीक है यस नहीं हाँ बड़ा नहीं हो सकता है बारह महीने से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है प्रीवियस मैक्सिमम प्रीवियस ईयर ट्वेल्व मंथ्स का होगा एक दो डाउट्स डाउट वो ले लेता हूँ बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा बट इनकम हो सकती है मार्च तक इनकम का असेसमेंट अगले साल होगा सर यस अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया और कुछ और इनकम है आपकी दूसरी इनकम है और भी इनकम से तो फिर आप फिर असेसमेंट ईयर में ही करोगे ठीक है हाँ अब सुनो जरा बोर्ड पे आ जाओ सभी लोग टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन सर पर्सन की इनकम पे टैक्स लगता है यस पर्सन की इनकम पे टैक्स लगता है पर्सन की सर पर्सन में कौन कौन आएगा भाई पर्सन में तो बहुत लोग आ सकते हैं ठीक है जनरली इंसान के दिमाग में आता है कि इनकम टैक्स सिर्फ कंपनीज देती है ऐसा थोड़ी है यार हर कोई देगा ना इनकम टैक्स तो बेटा बोलिए ना प्लीज बोलो ना इनकम टैक्स सिर्फ कंपनी देगी क्या तो गवर्नमेंट ने यहां पर पर्सन लिखा है पर्सन बहुत बड़ा शब्द है बहुत बड़ा शब्द है बहुत बड़ा शब्द बहुत वाइड है ये तो पर्सन में कौन कौन आएगा सर बताओ हमको मैं बता रहा हूं ठीक है गवर्नमेंट ने पर्सन के वर्ड को डिफाइन किया है इन सेक्शन टू थर्टी वन टू ब्रैकेट थर्टी वन कैसे डिफाइन किया है पर्सन में कौन कौन आएगा चलो आ जाओ गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को मेंशन किया है फिर बाद में बोला एवरी अदर पर्सन ठीक है आ जाओ पर्सन का डेफिनेशन देखते पर्सन में कौन कौन आता है पर्सन इंक्लूड सबसे पहले इंडिविजुअल इंसान इंसान टैक्स भरेंगे इंसान इंसान पे टैक्स लग सकता है ठीक है जैसे अगर आप दुबई जाओगे ना दुबई दुबई में ना इंसानों पे टैक्स नहीं लगता है पता है आपको बेटा इंसानों पे इनकम टैक्स नहीं लगता है दुबई में सिर्फ कंपनीज पे टैक्स लगता है सिर्फ कंपनीज इंसानों पे इंडिविजुअल्स पे टैक्स लगाना अभी उन्होंने शुरू नहीं किया है इनकम टैक्स माफ है वहां पर इंडिविजुअल्स पे तो हमारे जो रिश्तेदार है या हमारे जो स्टूडेंट्स भी है वहां पर अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी है और हमारे दोस्त भी है तो वहां पर वो लोग लाखों रुपया कमाते हैं सैलरी एज ए चार्ट अकाउंटेंट के तौर पे नौकरी कर रहे हैं वहां पर जॉब कर रहे हैं कोई चार लाख कमा रहा है कोई पांच लाख कमा रहा है एक रुपए का इनकम टैक्स नहीं लगता है चार लाख रुपया कमाया पूरा अकाउंट में पूरा जेब में और भारत में अगर कोई चार लाख रुपया कमाएगा ना तो कितना इनकम टैक्स लगेगा मालूम लगभग सवा लाख रुपया इनकम टैक्स चार लाख रुपया कमा रहे तो सिर्फ पौने तीन लाख रुपया, रुपया इंडिविजुअल्स पर भी जब आप टैक्स रेट्स पढ़ोगे तो आपको पता चल ही जाएगा अगले दो तीन दिन में मैं आपको टैक्स रेट्स बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कितना ज्यादा टैक्स रेट है इंडिया के अंदर तो इंडिविजुअल भी इंडिया में टैक्स भरने के लिए लायबल है और सर एच भी लायबल है एच सबको बताए क्या होता है जल्दी बोलो चलो चलो आज एच पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी ठीक है सर एच कैसे बनता है बोलो एच कैसे बनता है बताओ बताइए हाउ एन इज फॉर्मड पांच मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को सोचने का उसके आगे वाली बातें कर लेता हूं पहले फिर एच पे आता हूं पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म तो सबको है ना क्या होता है ठीक है एच यू एफ पे आ रहा हूं दो मिनट में आ रहा हूं तब तक अपना दिमाग दौड़ाओ पार्टनरशिप फॉर्म पे भी टैक्स लगेगा एल एल पी इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एल एल पी तो पार्टनरशिप फॉर्म और एल एल पी में क्या फर्क है? है कि जो जो पार्टनरशिप होता है उसमें पार्टनर्स होते हैं ठीक है वो अपनी पर्सनली लायबल होते कल जाकर अगर लोन नहीं चुकाया फॉर्म ने तो पार्टनर अपनी जेब से देगा लेकिन एल एल पी में ऐसा नहीं होता है अगर लोन नहीं चुकाया तो पार्टनर को अब पर्सनली अपने जेब से देने की जरूरत नहीं है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है एलएलपी में इज इट क्लियर और नॉट प्लीज बोलिए यस उसके बाद कंपनी कंपनी कैसे बनती है कंपनी के लिए आपको कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तो कंपनी बनेगी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर करवाना पड़ेगा तो पार्टनरशिप फर्म बनेगा आपको एलएलपी के लिए एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर करवाना पड़ेगा तो एलएलपी एक्ट बनेगा तो एलएलपी बनेगा तो कोई भी चीज रजिस्ट्रेशन से बनती है ठीक है तो अब मेरा सवाल है एचयूएफ कैसे बनता है बताइए एचयूएफ कैसे बनता है एचयूएफ पे थोड़ा चर्चा करनी पड़ेगी मुझे आपने बहुत पढ़ा है HUF के बारे में ना 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो कैसे बनता है हुएफ? बोलो अब सब अतरंगी अतरंगी आंसर देंगे ऐसे ऐसे आंसर देंगे ना कि मतलब बड़े बड़े एक्सपर्ट आज मरने वाले तुम्हारा आंसर सुन के मैं पढ़ता हूँ सब फैमिली बिजनेस कंटिन्यूड फ्रॉम फोर जनरेशन ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है तीन सक्सेसिव जनरेशन फैमिली कॉन्स्टिट्यूट एच ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है वो मुझे नहीं बताओ आप लोग बताओ हिंदू फैमिली कैन कम टूगेदर एंड फॉर्म एन एच यू एफ चलो ठीक है सही गलत है उसपे बात अभिषेक कुमार खरवर बोल रहे बाय बर्थ बाय बर्थ सर पैदा हुआ एच यू एफ बन गया हिंदू जन सिख फैमिली के लोग जिसमें तीन जनरेशन के एक साथ बिजनेस करे वो एच यू है। जाते हैं बिल्कुल नहीं रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है।, का का रजिस्ट्रेशन होता है बताओ कौन सा हुआ हुआ के लिए है? जैसा कानून है जहां रजिस्ट्रेशन करते हो आप बोलिए अरे वो सिर्फ पैन के लिए रजिस्ट्रेशन होता है पैन नंबर लेना होता है वो तो इनकम टैक्स में भी मिल जाता है किसको भी वो तो इंडिविजुअल को भी मिल जाता है देखो एच क्या होता है एच मिसाल के तौर पर एक हिंदू पुरुष एक हिंदू महिला शादी करेंगे शादी करने के बाद क्या होगा बच्चा पैदा होगा जैसे ही बच्चा पैदा होता है बन गई फैमिली That's it. यही है बनने का तरीका और कोई तरीका नहीं है और कोई तरीका नहीं है बस हो गया यही एच है उसके बाद इनकम टैक्स में जाओ एक पैन के लिए एप्लीकेशन दो आपको पैन मिल जाएगा That's it. हो गया रजिस्ट्रेशन हिंदू हिंदू बच्चा समझ आ गया तुम लोगों को अभी एच नहीं बनाना है तुम लोग को अभी सीए पास होना है ठीक है तुम लोगों पे ज्यादा फोकस अभी क्या करना है तुम लोगों को अभी नहीं तो अभी निकल जाएंगे एचयूएफ बनाने शाम में बिल्कुल नहीं ठीक है हाँ अब सुनो अब इसमें बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस हैं आपने शायद कहीं पढ़ा मुझे नहीं पता पढ़ा दया भागा स्कूल है मिताक्षरा स्कूल है सुना है कभी एच की अलग अलग स्कूल्स है कुछ अलग अलग थॉट्स है एच में दया भागा थॉट्स मिताक्षरा ठॉट्स इलेवेंथ में पढ़ा होगा टेंथ इलेवंथ में में कहीं तो ओसी एस पी कहीं तो आता है ओसी वोसी में कोई तो सब्जेक्ट में आता है थियरी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा है तो जाने तो नहीं पढ़ाया तो थोड़ा सा और मैं फिर ज्ञान देता हूँ आपको एच के बारे में क्योंकि हमारे पूरे सिलेबस में हमको एच की टैक्सेबिलिटी देखना है भाई हाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट भी आपको पढ़ना पड़ता है उसके लिए ठीक तो है नाइनटीन उसके बाद दो में वापस से आया हा, है हाँ अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ दिलचस्प बातें एच के बारे में सुनना चाहोगे एच यू एफ जैसे कि आप नाम से पता लगा सकते हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू 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 होना जरूरी है ठीक है हर कोई एच यू एफ नहीं बना सकता है तो क्या सिख एच यू एफ बना सकते हैं सिख हां अच्छा पहले बताओ क्या सिख हिंदू है क्या सिख हिंदू है सिख हिंदू है इधर लाओ जरा डंडा लाओ कोई डंडा है क्या डंडा ला डा जरा डंडा पानी भी दे अगर सिख हिंदू है आप लोगों के हिसाब से तो फिर फिर तो ये कहावत ही गलत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये ये कहावत गलत हो गई आज इसको गलत साबित कर दिया आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख बोल दिया तो सिख और हिंदू को अलग क्यों बोला फिर हाँ ये डिफरेंट रिलीजन है हमेशा याद रखना सिखिज्म इज अ डिफरेंट रिलीजन सुन लो मेरी पूरी पूरी भाषण तो सुन लो अच्छे से इस बात को अग्री करते हो पहले ये बताओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब ये चीज ये चार वर्ड बोलते हो आप तो ये अलग रिलीजन हुआ कि नहीं हुआ हाँ ये अलग हुआ ना बेटा उसी तरीके से जैनिज्म जैनिज्म अलग है कि हिंदू का पार्ट है क्या जैनिज्म सनातन धर्म का पार्ट है जैनिज्म हिंदू का पार्ट है तुमको कुछ पता नहीं रहता है क्या रिलीजन के बारे में हाथ थोड़ा शास्त्र पढ़ो वेदास पढ़ो गीता पढ़ो कुछ पढ़ो तो पता चलेगा कौन क्या है कुछ पता नहीं है बस यहाँ तुम इनकम टैक्स के लगे पड़े सर आप क्या बोल रहे हो ये सब कहा पढ़ पाएंगे सर ये सब अब तो और पॉसिबल नहीं अगले तीन चार साल आप ही बता दो जैनिज्म हिंदूज नहीं है वो अलग है उनका अलग रिलीजन है लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है सुनो इनकम टैक्स बोलता है कि भाई इनकम टैक्स के लिए हम जैन को और सिख लोगों को इन दोनों को भी हम एच क्लियर है सबको इनकम टैक्स उनको एच का पार्ट मानती है।, है, है बोलती है वो भी एच बना सकते हैं अरे आर यू क्लियर बट रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट हिंदू रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैन एंड सिक्स आर नॉट हिंदू ठीक है तो और भी बहुत सारे रिलीजन जैसे हमारा रिलीजन है फिर बाद में है और भी दूसरे रिलीजन छोटे 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 बहुत सारे ना इंडिया में पचासो किस्म के रिलीजन है यार वो लोग नहीं बना सकते लेकिन सिकिज्म और जैनिज्म को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है वो लोग भी एच बना सकते सर एच बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है वो तो आपको समय के साथ पता चलेगा क्यों बनाते हैं आज तक कभी जिंदगी में पता चला एच क्यों बनता है हाँ इतनी बार पढ़े से क्यों बन क्यों रहा है बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश क्या उद्देश्य है उसका आपको उसका जवाब सिर्फ इनकम टैक्स ही बता सकता है ठीक है क्योंकि बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है टू सेव इनकम टैक्स अब वो कैसे सेव करना है वो तो आपको समय के साथ मैं बताऊंगा ऑब्वियसली इनकम टैक्स बचाने के लिए ही लोग एच बनाते हैं और कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे बनाने का ठीक है सबसे बड़ा लॉजिक मैं बोल सकता हूं छोटे मोटे दूसरे होंगे परिवार एक होना चाहिए ठीक है वो सब प्रॉपर्टीज वॉपर्टीज सब एक जगह होनी चाहिए एक ही आदमी मैनेज करेगा तो अच्छा है वो सब बात की बात है टैक्स में छूट मिलती है अगर आप एच फॉर्म करते हो तो बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलती है एक दो लाख रुपए का टैक्स तो बच ही जाता है साल भर के अंदर ठीक है तो वो कैसे बचता है क्या बचता है वो हम लोग समय के साथ देखेंगे चलो आ जाओ तो टैक्स किस पे लग रहा है टैक्स लग रहा है पर्सन पर और पर्सन में कौन कौन आ रहा है इंडिविजुअल आ गया इंडिविजुअल तो इंसान है एच आ गया एच परिवार है फर्म आ गया एल आ गया कंपनी आ गया उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ मैंने आपको बताया अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है वो भी एक किस्म का कुछ लोगों का गठबंधन होता है लेकिन फर्क क्या है उसमें और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म को एक पर्पस के लिए बनता है कि लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए बनता है बताओ पार्टनरशिप फर्म जब बनाते हो तो एक इवेंट के लिए बनाते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हो लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हो एक इवेंट के लिए नहीं बनाते हो आप लंबा बिजनेस चलने वाला है उसले बनाते हो और एओपी बीओआई जो बनता है वो एक छोटे मोटे परपस के लिए इवेंट के लिए बनता है जॉइंट वेंचर के लिए बनता है ठीक है हाँ, भूपेश जब आप पता है मुझे वो आर्टिकल 25 आप बता रहे हो जो हां उसमें बाद में अमेंडमेंट आया था ठीक है

राइट right? कौन कौन से चार वेदा? वेद, 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 और वेद. ये चार वेदा हैं तो आप ग्रंथ को फॉलो करते हो क्या नहीं एक हिंदू ग्रंथ को क्यों फॉलो करेगा उसी तरीके से एक सिख वेदा को क्यों फॉलो करेगा वो अपने रिस्पेक्टिव रिलीजियस स्क्रिप्चर को फॉलो करेंगे राइट right? हाँ इनकम टैक्स के हिसाब से भारत सरकार के हिसाब से आप हिंदू बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर अकाउंट्स का क्लास फ्री में दिलवा दो सर फाइनेंशियल वीक हूं ऋषभ बंका बेटा वो तो आपको शर्मा सर को ही बोलना पड़ेगा मैं कैसे दिलवा दू फ्री में मैं कैसे दिलवा दू आप बात करो उनसे देखो ठीक है सर दिलवा देंगे डोंट वरी ठीक है और सर लोकल अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी भी पर्सन है यस लोकल अथॉरिटी भी पर्सन है लोकल अथॉरिटी में कौन आता है आपका लोकल मुंसिपल बॉडी जैसे दिल्ली के अंदर कौन है बताओ एमसीडी है है ना दिल्ली में एमसीडी मुंसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वैसे हर एक स्टेट के अंदर अपना अपना मुंसिपल कॉर्पोरेशन होगा वो लोकल अथॉरिटी भी क्या करेगा टैक्स भरेगा वो भी पर्सन है भारत सरकार की नजर में और आखिर में गवर्नमेंट अभी थक गई बोली बहुत नाम ले लिया अभी उससे ज्यादा नाम लेने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है तो अभी एंड में बोल दिया एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिटिकल पर्सन बाकी सब आर्टिफिशियल पर्सन भी क्या है पर्सन 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 है परसन है परसन है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी तो बाकी सब में कौन आएगा ट्रस्ट आ सकता है बाकी सब में और कॉपरेटिव सोसाइटीज आ सकती है पॉलिटिकल पार्टीज आ सकती है बहुत लोग आ सकते हैं ठीक है बहुत लोग पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाएगी यस आर्टिफिशियल पर्सन में पॉलिटिकल पार्टी आएगी ठीक है वो सब इधर आ जाएंगे अभी पूछते मत बैठो कौन आएगा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब एवरी आर्टिफिशियल जुडिटिकल पर्सन तो गवर्नमेंट ने कितने स्पेसिफिक नाम दिए हैं इंडिविजुअल काउंट करो मेरे साथ एच एफ मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो क्या मैसेज है आपके अरे मैसेज क्या है वो तो बताओ हाँ है भाई कुछ टंडन वो भी है डेफिनेटली इंडिविजुअल एच एफ फॉर्म एल एल पी कंपनी ओ आई लोकल अथॉरिटी सात स्पेसिफिक लोग है उसके बाद जनरल उसके बाद बाकी सब बैलेंसिंग फिगर हाँ हो सकते हैं कुछ टंडन और भी लोग हो सकते हैं ठीक है उसके लिए आपको संविधान बनना पड़ेगा भारत का उसमें जो, जो लिखा है, वो सब अक्का है, तो ये है आपका पर्सन का डेफिनेशन इज इट क्लियर यहां पर yes, यहां जाकर हमने किन किन शब्दों का एनालिसिस कर लिया प्रीवियस क्लियर असेसमेंट क्लियर पर्सन क्लियर टोटल इनकम पे हम लोग एक दो लेक्चर के बाद आएंगे फिलहाल इसको हम लोग टच नहीं कर रहे ठीक है अब एक आखिरी चीज जो हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं उसके बाद हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस अगला चैप्टर ठीक है इधर देखो जरा पे अटेंशन सर टैक्स कौन भरता है इनकम टैक्स में टैक्स पेयर भरता है और कौन अब टैक्स पेयर को सुमित श्रीवास्तव थोड़ी देर बाद में एड्रेस करता हूं बेटा ठीक है टैक्स पेयर को इनकम टैक्स में टेक्निकल भाषा में एक नाम से बुलाया जाता है ठीक है वो टेक्निकल भाषा में उसको क्या बोला जाता है सुन लो अच्छे से सब लोग प्लीज क्या बोलते हैं उसको अससी अससी क्यों बोलते हैं सर अससी अससी का मतलब क्या है अससी का मतलब है जिसका असेसमेंट सरकार करेगी देखो मेरा सिंपल सवाल है मैंने इनकम कमाया पूरे साल उसके बाद मैंने टैक्स कंप्यूट किया तो क्या मेरे पे सरकार भरोसा करेगी जो भी कंप्यूट किया सब बराबर है हाँ जो भी किया इतना ईमानदार हूं मैं कि मैं जो भी कंप्यूट वो सब बराबर है हा? सरकार मुझ पर भरोसा करेगी क्या सरकार अपनी तरफ से मेरा असेसमेंट करेगी कि नहीं करेगी मेरी चेकिंग करेगी कि नहीं करेगी मेरे टैक्स कंप्यूटेशन का वेरिफिकेशन करेगी कि नहीं करेगी डेफिनेटली करेगी सरकार की भाषा में जो टैक्सपेयर है उसको सरकार अससी बोलती है अब अससी भी बहुत बड़ा डेफिनेशन है वाइड डेफिनेशन है। तो आज के बाद आप टैक्सपेयर टैक्सपेयर लोकल भाषा नहीं इस्तेमाल करने का ठीक है अससी बोलने का अससी सर आज के बाद लोकल भाषा नहीं यूज करने का फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलेगा ईयर और जब टैक्स कंप्यूट कर रहा है तब Assessment year, ऐसे भाषा यूज करना है अपने को, लोकल भाषा नहीं यूज करेंगे ये भाषा पहले समझना सब हर एक सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज से पहले अससी का भी बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन है आ जाओ किताब में मेरे यहां पर अससी में कौन कौन आएगा ठीक है सुनो अभी बोर्ड पे देखना अससी का डेफिनेशन सेक्शन टू सेवन इट एनी पर्सन हु इज टू पे एनी टैक्स जो टैक्स भरने के लिए लायबल है वो अससी है ठीक है क्या मैं सी हूं क्या मैं हूं भारत सरकार की नजर में मैं मैं हूं बताइए ना बेटा क्या मैं भारत सरकार की नजर में अससी हूं नहीं हूं हाँ है क्या रिलायंस एससी है हाँ अससी है क्या रिलायंस इंडस्ट्री एससी है हा अससी है जो देश में जो दो तीन करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं क्या वो सारी के सारे लोग अपने आप को अससी बोल सकते हैं जल्दी बोलिए देश में जो दो तीन करोड़ लोग टैक्स दे रहे दो तीन करोड़ ही तो दे रहे बाकी तो दे नहीं रहे वो सब अससी है ठीक है अब सिर्फ टैक्स नहीं और एनी अदर सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स को छोड़कर कुछ और भी अगर पे करने के लिए जिम्मेदार है लायबल है तो वो भी अससी है मुझे बताओ टैक्स छोड़कर और क्या पे करोगे इनकम टैक्स में आप और क्या भर सकते हो लॉजिक से आंसर करो आ जाएगा पेनाल्टी भर सकते हो यस अगर टैक्स में चोरी की तो पेनाल्टी लगेगी फाइन लगेगा यस टैक्स लेट भरा तो इंटरेस्ट भी लग सकता है करेक्ट तो वो भी एस है भाई वो भी एससी है तो जो टैक्स भरता है वो भी ही है। जो पेनाल्टी भरता है वो भी अस कोई भी किस्म का फंड भरता है कोई भी किस्म का सम भरता है कोई भी किस्म का अमाउंट भरता है सरकार को वो ही है भारत सरकार की नजर में इट इज एज सिंपल एज दैट आर आर यू क्लियर यू क्लियर डेफिनेटली कोई भी बंदा जो टैक्स भरेगा वो अससी है कोई भी बंदा जो फाइन भरेगा इनकम टैक्स में कोई चोरी की तो फाइन भर रहा है कोई गलती की तो फाइन भर रहा है कोई लेट पेमेंट किया टैक्स का तो ब्याज दे रहा है इंटरेस्ट दे रहा है तो वो सब असर की नजर में किसी भी किस्म का कुछ भी भर रहा है तो वो अससी है ठीक है हाँ, खत्म नहीं हुआ है। जैसे मैंने बोला वाइड डेफिनेशन है इसमें बहुत सी चीजें कवर्ड है बहुत सी चीजें बोलू और भी लोग है आगे बोल रहा है इट इंक्लूड्स डेफिनेशन लंबा है इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए डोंट वरी बट समझना बहुत जरूरी है बहुत क्लियर होना जरूरी है एग्जाम के लिए कोई पूछने नहीं वाला आपको ऐसा थियर क्वेश्चन एग्जाम में मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बोला था कि आपको एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन नहीं आता सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आते हैं सम्स ही आते हैं ठीक है अब सम्स के लिए अपने को एक दो चैप्टर करेंगे तो पता चलेगा कैसे सम्स आते हैं हम लोग लिख के करेंगे सम्स इट इंक्लूड्स एमसीक्यू में भी थियरी नहीं पूछते लोग प्रैक्टिकली पूछते हो लोग मोस्टली इट इंक्लूड्स बहुत ध्यान से सुनना एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग एनी प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है सर प्रोसीडिंग का मतलब कोई कार्रवाई चल रही है आपके ऊपर कोई केस चला रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है अंडर दिन टेकन फॉर दसेसमेंट ऑफ इज इनकम जैसे कि मैंने बोला मैंने टैक्स कंप्यूट कर लिया मैंने टैक्स कमा मैंने इनकम कमा लिया पूरे साल में मैंने असेसमेंट ईयर में टैक्स कंप्यूट कर लिया और मैं अपने घर पे आराम से बैठा हूं तो सुकून से बैठने देगी सरकार मुझे आ? नहीं देगी परेशान करके छोड़ेगी मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जाम्पल देता हूं कुछ एग्जाम्पल देता हूं देखो जस्ट एक सेकेंड रुकना थोड़ा और आइडिया लगेगी आपको या देखना मेरी तरफ बेटा सब लोग हर चीज प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं आपको बस ऐसी बताने के लिए नहीं ठीक है ये देखो ये दिख रहा है बोर्ड पे कुछ ये भारत सरकार से नोटिस आई है हमारे क्लाइंट को ठीक है बेटा दिख रहा है क्या पहले ये बताऊं हाँ, क्या लिखा है उधर उसका पैन नंबर लिखा है और क्या लिखा है ये क्या है बोलो असेसमेंट पंद्रह सोलह की नोटिस आई कभी आई छह फरवरी दो हजार चौबीस बहुत ज्यादा पहले नहीं आई अभी अब, अब भी आई है करेक्ट यस मैं बताता हूं उस नोटिस में वो लोग क्या पूछ रहे हैं मुझे कुछ बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं जिसका मुझे जवाब देना पड़ेगा पंद्रह सोलह 6 फरवरी वो मुझसे ये सवाल पूछ रहे कुछ ये डॉक्यूमेंट्स दे दो ये दे दो वो दे दो ये दे दो ये दे दो, दो. क्यों इन कनेक्शन विथ वॉट असेसमेंट दिख रहा है आपको आपका हम क्या कर रहे हैं बोलिए ना असेसमेंट कर रहे हैं यार मतलब चेकिंग कर रहे हैं हम आपकी ठीक है कार्रवाई चल रही है आपके ऊपर क्या आपने सब कुछ बराबर किया है कि नहीं किया है क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं ये एक क्लाइंट है हमारे उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली थी 2015 में चौदह पंद्रह में चौदह पंद्रह मतलब सोलह अब वही भारत सरकार पूछ रही है कि अस्सी लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास पैसा कहां से आया पूछ सकती है कि नहीं पूछ सकती है बताइए बताइए ना ये सवाल पूछेगी ना तो बस उसका जवाब दे रहे हैं उनको पूरा का पूरा जवाब दे रहे कि भाई ये पैसा यहाँ से आया है यहाँ से आया इसमें से पचास लाख रुपए का लोन है पच्चीस लाख रुपए का तीस लाख रुपए का खुद का पैसा है उसमें से दस लाख रुपया माता जी ने गिफ्ट दी है दस लाख रुपया पिताजी ने गिफ्ट दिया है दस लाख रुपया उनकी पर्सनल सेविंग है ऐसा हमने पूरा पूरा ड्राफ्ट करके उनको आंसर रिप्लाई कर दिया इस तरीके से हमने अपनी इनकम कमाई है तो भारत सरकार ये पूछेगी आपको उसी को बोलते है असेसमेंट उसी को बोलते है कार्रवाई किस चीज की कार्रवाई है वो एवरी पर्सन तो मुझे बताओ वो जो मेरे क्लाइंट है उसको हम क्या बोलेंगे अभी Income Tax की भाषा में सब लोग बोलो जल्दी से मेरे क्लाइंट है उसको इनकम टैक्स की भाषा में क्या बोलेंगे अससी बोलेंगे क्योंकि उनपे ऊपर क्या चल रही है कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स की आर यू क्लियर वो अससी है हमारे इज इट क्लियर तो मैंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण भाषण भेजा उनको फिर क्या है हमारा ये है हमारे की इनकम यहां से आई हमारे की इनकम वहां से आई देखो हमारे के पास सब व्हाइट पैसा है ब्लैक कुछ भी नहीं है तुम तो माफ कर दो हमको एक्सेट्रा एक्सेट्रा अभी उनका रिप्लाई नहीं आया मैंने लंबा चौड़ा भाषण लिख के दिया ऐसा इनकम टैक्स की लैंग्वेज में ऐसा लिख के दिया कि हिल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा रिप्लाई किया उनको ठीक है तो एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ इज इनकम और बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना छोटे और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही अब इसका मतलब क्या है पहले पॉइंट में क्या लिखा है अंग्रेजी पढ़ना बेटा अंग्रेजी इनकम टैक्स अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा भले में कितना भी हिंदी में उसका विश्लेषण कर लू लेकिन पढ़ना तो अंग्रेजी में ही पड़ेगा अगर किसी भी बंदे पर किसी भी पर्सन पर कोई कार्रवाई चल रही है क्यों चल रही है किस चीज की कार्रवाई उसकी इनकम निकालने की कार्रवाई करेक्ट उसकी इनकम निकालने की कार्रवाई उसकी इनकम कंप्यूट करने की कार्रवाई चल रही है जैसे मेरे क्लाइंट के केस में पंद्रह सोलह की कार्रवाई चल रही है ठीक से इनकम निकाला था नहीं निकाला था व्हाइट इनकम थी कि नहीं उसके पास के ब्लैक इनकम से घर खरीद लिया के बिना टैक्स भरे ऐसे ही घर खरीद लिया करोड़ों रुपए कमाया टैक्स नहीं भरा और घर खरीद लिया ऐसे बहुत से लोग होते बेवकूफ पता नहीं रहता है क्या करने का क्या नहीं करने का फिर नोटिस लेकर आते हैं हमारे पास कुछ नहीं कर पाते हम एक तो आजकल मोदी जी ने सब ऑनलाइन कर दिया पता है तुमको इनकम टैक्स में पूरा ऑनलाइन सब ऑनलाइन मतलब पहले तो क्या होता था हम लोग ऑफिस में जाते थे ऑफिसर से बात करते थे अब वो सब बात करना अलाउड ही नहीं है डायरेक्ट ऑनलाइन करने का सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई डाउट होगा ऑनलाइन भेजेंगे मेल आपको आपको मेल में रिप्लाई करना है मेल में भी नहीं उनका वेबसाइट पे पोर्टल है उधर ही जाकर रिप्लाई करना है जैसे आपका एलडाइन का कैसे पोर्टल है लॉग इन करके रिप्लाई आप उधर चैट भी देखते हो नोट्स भी देखते हो लेक्चर भी देखते हो वैसे इनकम टैक्स का भी वैसा लॉग है उसमें जाके ही सब कुछ करना होता है तो इं, इंटरेक्शन खत्म हो गया ऑफिसर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाता है अब और ऑफिसर पता नहीं कहां पर है मैं मुंबई में बैठा हुआ वो ऑफिसर वो दिल्ली में बैठा है पंजाब में बैठा है हरियाणा में बैठा है जम्मू एंड कश्मीर में बैठा है कहीं भी बैठा हो सकता है वो कहीं का भी ऑफिसर होता है ऐसा कर दिया उन्होंने करप्शन को कम करने की कोशिश की तो अगर किसी बंदे पे कोई कार्रवाई चल रही है उसकी इनकम के असेसमेंट की कार्रवाई दूसरा द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही सर इसका मतलब क्या होता है ये देखो इसका मतलब होता है माइनर के केस में मुझे बताओ ये मेरी एक बेटी है फॉर एग्जांपल या मेरा एक बेटा है तो क्या वो डिपार्टमेंट को बताइए तो बना बना आजकल के बच्चे लोग मालूम है ना तुमको रील्स बना बना के रील्स बना बना के रील्स बना के रील्स बना के, 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 के लाखों रुपया कमा रहे की नहीं कमा रहे बच्चे लोग आजकल कल तो वो इनकम तो बच्चे की है सर बच्चों पर भी टैक्स लगता है सर बच्चों को नहीं छोड़ती है सरकार कुछ नहीं किसी के बाप को नहीं छोड़ती है सरकार ठीक है सरकार मरे हुए इंसान को नहीं छोड़ती है तो बच्चे क्या चीज है जो इंसान मर गया उसको भी टैक्स देना है कैसे देगा उसके घर वाले देंगे तो प्रॉपर्टी जब्त इतनी डेंजरस है हमारी भारत सरकार टैक्स के मामले में ठीक है तो बच्चे के केस में कौन करेगा पेरेंट करेंगे उनके गार्डियन करेंगे ठीक है उसके लिए पॉइंट नंबर बी आया है चेक करो असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन एनी अदर पर्सन कौन हुआ चाइल्ड हुआ बच्चा हुआ बच्चा इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इजल बच्चे के लिए अगर माँ बाप माँ बाप उसके लिए क्या करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सवाल जवाब का वार्तालाप करेंगे ठीक है तीसरा जरूरी है कि सिर्फ इनकम टैक्स में इनकम ही आएगा लॉस नहीं आ सकता है बताइए तो, का भी करेंगे। कम तो नहीं दिखाया हमने बहुत ज्यादा गलती से सरकार को होता है कभी -कभी हमने दे दिया। फिर सरकार को बोल रहे अरे यार थोड़ा मेरा वो ज्यादा पेमेंट हो गया प्लीज रिफंड दे दो ना सरकार रिफंड देती है आपको ठीक है ये सब कानून के प्रावधान आप पढ़ोगे सी एंटर में है आपके बच्चे की इनकम कैसे माँ बाप उस पर कैसे पूरा टैक्स भरते हैं और फिर बाद में आ, कैसे अगर आप ज्यादा इनकम टैक्स दे दोगे तो रिफंड कैसे मिलता है ये सब पढ़ना है आपको इंटर का ये इंटर का पार्ट है ये सब कुछ तो आपके ऊपर जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ इनकम कंप्यूट करने की कार्रवाई नहीं होती है लॉस कंप्यूट करने की भी कार्रवाई हो सकती है रिफंड लेने की कार्रवाई भी हो सकती है ये सारी किस्म की कार्रवाई हो सकती है ठीक है नेक्स्ट Every person who is deemed to be एवरी पर्सन हुनी होता है, मतलब है? है मतलब सच्चाई नहीं है काल्पनिक मान लो ये असली में अससी नहीं है इसको मानो के अससी है सरकार बोल रही है मानो अज्यूम करो 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 वो बोल रहे हैं मैं अससी नहीं हूँ सरकार बोलती नहीं 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 मानो क्या आप अससी हो वो बोल रहे मैं अससी हुई नहीं सरकार बोल रही है मानना पड़ेगा तुमको तुम अससी हो सर इधर कौन आएगा सर देखो इधर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जो भी इंडिया के बाहर की कंपनी से इंडिया में बिजनेस करती है ना जैसे एप्पल इंडिया में बिजनेस कर रहा है गूगल इंडिया में बिजनेस कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में बिजनेस कर रहा है उन सबको इंडिया में एक एजेंट बिठाना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट उनको कहां पकड़ने जाएगी उनका कोई जिम्मेदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए देश के अंदर बताइए देखो यहां तो गवर्नमेंट अगर कुछ गलत हुआ रिलायंस इंडस्ट्री के साथ तो मुकेश अंबानी को पकड़ेगी राइट टाटा के साथ कुछ गलत हुआ तो रतन टाटा या उनका जो भी आज की तारीख में चेयरमैन है मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको पकड़ेगी रतन टाटा तो चलो अभी एक्टिव नहीं है इतने अदानी कंपनीज में कुछ गड़बड़ हुई तो अदानी को पकड़ेगी भारत सरकार लेकिन अगर एप्पल में कुछ गलती हुई तो क्या टिम कुक को पकड़ने जाएगी यहां से हा? या गूगल में कोई गलती हुई तो क्या गूगल के सीईओ को पकड़ने जाएगी या सीएफओ को या उसके कहां से पकड़ेंगे उनको उनको एक एजेंट बिठाना पड़ेगा इंडिया में एक आदमी बिठाना पड़ेगा उसको सरकार बोलती है वो तुम्हारा डीम टू बी एससी है वही तुम्हारा डीम्डी है वही अससी हमारी नजर में तो वही अससी है हमारी हमको गूगल नहीं दिखता है भाई हमको एप्पल नहीं दिखता है हमको ये आदमी दिखता है जो इंडिया में बैठा है ठीक है सर अंबानी को क्यों पकड़ेगी सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी ऐसा नहीं होता है कुछ प्रोविजन पता नहीं है तुमको कंपनी ठीक है आज तक बहुत सारे कंपनी के सी और सीईओ जेल में जा चुके फॉर नेग्लिजेंस सहारा ग्रुप वाले का क्या हुआ था पता है आपको हाँ बेटा सहारा ग्रुप जानते हो ना सुब्रत रॉय बताइए जेल में नहीं थे वो नेग्लिजेंस के चक्कर में कंपनी को डुबा दिया बोलिए यस कॉर्पोरेट व्हील ब्रेक किया जाता है ठीक है यस ये सब शब्द आपने टेक्निकल शब्द लॉ में सुना होगा लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील का मतलब क्या होता है पर्दा फाश करना यस yes? वही मतलब होता है ना उसका बोलिए बोलिए ना पर्दाफाश करने को ही बोलते हैं ना लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या बात है यार तुम लोग तो यार एकदम एकदम तुम लोग क्या निकले मालूम डायरेक्ट तुम लोग अरुण जेटली जैसा लॉ की बात कर रहे हो यार तुम लोग तो सुब्रमण्यम स्वामी अरुण जेटली कपिल सिब्बल हरीश सालवे अरे जेट मलानी वाली लैंग्वेज में बात कर रहे हो यार तुम लोग तो मेरे को एकदम कॉम्प्लेक्स फील करा रहे हो यार हाँ मेरे को ऐसा लगता है मेरे को तो आता ही नहीं है कुछ तुम्हारे सामने तेरी जबरदस्त लैंग्वेज लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल एंड ऑला क्या बात है यार थोड़ा सिखाओ मेरे को भी यार मैं भी आता हूं तुम्हारे साथ लॉ के लेक्चर में अभी नेक्स्ट डेमो में मैं भी बैठता हूँ ठीक है दो बजे वाला डेमो बैठता हूं मैं फिर बैठू क्या कोई बोलता है सर बस यही आता है बहुत कुछ नहीं आता है <laughs> अरे खुद की बेइज्जती खुद ही करोगे हाँ <laughs> हाँ तो ये क्या होता है डीम्ड टू बी अससी माना जाता है डीम्ड टू बी कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है उसका इंडिया में कोई एजेंट है वो डीम्ड टू बी अससी है और आखिरी किस्म का SSI, अब तक मैंने कितने SSI बोला जल्दी बोलो किस किस को आप असि बोल सकते हो जो क्या क्या करता है जल्दी बोलो क्या क्या करने वाला अससी है अरे यार ये जूम वाले क्यों चुप बैठ जाते जीवन में बोलो ना कुछ जूम वालो क्या क्या करने वाले अससी है जो टैक्स बढ़ता है वो अससी है और बोलते जाओ जल्दी जल्दी जो पेनाल्टी भरता है जो इंटरेस्ट बढ़ता है जो कोई भी किस्म का सम भरता है वो अससी है करेक्ट और जिस पे कोई कार्रवाई होती है किस चीज की कार्रवाई क्या कंप्यूट करने की कार्रवाई बताओ इनकम कंप्यूट करने की कार्रवाई लॉस कंप्यूट करने की कार्रवाई रिफंड कंप्यूट करने की कार्रवाई करेक्ट या माइनर बच्चे के लिए जो मां बाप रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एस एस है या लास्ट में क्या बोला मैंने लास्ट वाला क्या बोला जो अभी अभी, अभी एकदम आखिर में बोला चलो सब लोग बताओ 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 तुमको बोलना पड़ेगा डीम टू बी एस एस सी का एग्जाम्पल बताओ एग्जाम्पल डीम टू बी एस एस सी का यस 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 करण प्रताप यस रोहित यस विशाल यस 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 एंड्रेस यस देवांश करेक्ट बेटा यस करेक्ट एकदम सही एक सेकेंड रुको हाँ परफेक्ट 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 जैसे गूगल के रिप्रेजेंटेटिव परफेक्ट जो फॉरेन कंपनीज के एजेंट इंडिया में बैठते हैं। हर कंपनी को रखना मैंडेटरी हर कंपनी को हर कंपनी को इंडिया में एक एजेंट रखना है जो बाहर की है बाहर की है इंडियन कंपनीज को जरूरत नहीं है जो फॉरेन कंपनी से उनको इंडिया में एक उनका रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा उसको डीम टू बी एसएससी आप बोल सकते हो ठीक है यू कैन कॉल देम एज डीम टू बी एसएससी अब आखिरी पॉइंट क्या है गौर से देखो सब लोग जरा ध्यान से सुनना एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी अससिन डिफॉल्ट अससिन डिफॉल्ट क्या होता है सर अससिन डिफॉल्ट क्या होता है सर असासीन डिफॉल्ट मतलब कुछ तो गलती किया है जीवन में बेटा जीवन में एक बात सुन लो आज आप अच्छे से अच्छे से सुन लो मेरी बात आपको जीवन में जो करना है करो लेकिन अपने अपने ऊपर ये अससी इन डिफॉल्ट का टैग लगने मत देना कभी भी लगने मत देना ये अससी इन डिफॉल्ट का टैग अगर ये लग गया ना आपके ऊपर आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी जिंदगी खराब हो जाएगी ये चीज याद रखना ऐसे कोई काम ना करो जिससे अससीन डिफॉल्ट बन जाओ आप अससीन डिफॉल्ट सरकार उनको बनाती है जो बहुत सरकार जिनसे बहुत परेशान है मतलब बड़ा नालायक किस्म का अससी है बड़ा ही नालायक जिसको कांस्टेंट रिमाइंडर देते जा रहे देते जा रहे देते जा रहे फिर भी टैक्स नहीं भर रहा है फिर भी इंटरेस्ट नहीं, नहीं भर रहा है फिर भी पेनाल्टी नहीं भर रहा है तो गवर्नमेंट नोटिस भेजती है अब तुझे हम गंदी नजर से देखेंगे कैसी नजर से देखेंगे हाँ? बोलो बोलो <laughs> कोई गंदी नजर वाला इमोजी भी भेज रहा है मुझे अरे <laughs> कैसी नजर से देखेंगे अब हम आपको सर आप पे लगा अरे मेरे पे नहीं लगा है भाई मैं क्या तुमको चोर दिखता हूँ चोर उचक्का दिखता हूँ क्या हाँ क्या? क्या जाएगा ससिन डिफॉल्ट बन गया तो भाई बहुत बुरा तुम्हारी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर डालेंगे तुम्हारा घर बार बेच डालेंगे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे फिर छोड़ेंगे नहीं फिर पीछा तो इस गंदी नजर से हमको जीवन में सेंटेंस इस गंदी नजर से हमको जीवन में जेल भी होती है को, येस? जेल भी होती है बचना है इस गंदी नजर से बचना है ठीक है तो ये है आपके अससीन डिफॉल्ट का मतलब और ये है आपके असासी का मतलब और ये है आपका पहला चैप्टर जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था ठीक है अब आप पूछोगे इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है देखो इसमें से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बनेगा नहीं थियरी सब और ये सब थियरी आपके लिए क्यों रेलेवेंट है आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये सारी थियरी रेलिवेंट थी देखो अब हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ जाने वाले हैं और जब

आगे वाले प्रोविजन की तरफ ठीक है जो अगला चैप्टर है उसको समझाने के लिए मैं पहले आप लोगों के सामने कुछ तथ्य रखता हूं कुछ फैक्ट्स रखता हूं जिससे मैं आप लोगों के दिमाग को थोड़ा पहले क्लियर करूं फिर मैं प्रोविजन पढ़ाऊंगा ठीक है ये भारत है इंडिया यहां पर मिस्टर ए करके एक बंदा है यूके का नागरिक है यूके रेजिडेंट कॉमन सेंस से आंसर करना कॉमन सेंस से आंसर करोगे 99 परसेंट आपके आंसर सही आने वाले बिना प्रोविजन पढ़े। अगर ये यूके में नौकरी करता है और वहां से सैलरी अर्न करता है क्या भारत सरकार का कोई हक है उसकी सैलरी पे टैक्स लेने का बताइए कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है बंदा यूके में रहता है बंदा यूके में कमाता है जीवन वहीं जी रहा है तुमको क्या करना है भाई उससे हा तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो उसके बीच में ठीक है एकदम कॉमन सेंस वाला पॉइंट है ये। अगला सवाल पूछता हूं एक बंदा है मिस्टर ए वो इंडिया का रेसिडेंट है इंडिया में सैलरी कमाता है भारत सरकार उससे टैक्स लेगी कि नहीं लेगी हाँ लेगी दंके की चोट पे लेगी कोई सोचने वाली बात है नहीं इसके अंदर सोचने वाली बात अब आएगी जब अब मैं सवाल पूछूंगा आपको अब जवाब दो तीसरा पॉइंट अब यहां पर आपकी दो राय हो सकती है तो वही राय को मैं ठीक करने के लिए यहां पर बैठा हूं ऐसा टीचर, और क्या लेकिन पहले और दूसरे पॉइंट में किसी की दो राय नहीं थी सबने सही जवाब दिया सबने सही जवाब दिया सबने एक ही जवाब दिया और सबका जवाब सही है तीसरा सवाल एक यूके का रेसिडेंट है यूके में ही रहता है वहीं का रेजिडेंट है वहीं का रेजिडेंट है वहीं रहता है ठीक है अब उसकी इंडिया के अंदर एक प्रॉपर्टी है वहां से उसको रेंट आता है ठीक है इंडिया में एक प्रॉपर्टी है वहां से उसको रेंट आता है लव यू सर थैंक यू भूपेश लव यू टू बेटा इंडिया में उसकी प्रॉपर्टी है वहां से उसको रेंट आता है अब तुम्हारा दिल क्या बोलता है टैक्स भारत सरकार लेगी कि नहीं लेगी के छोड़ देगी बोले छोड़ना यूके में रहता है हमको क्या करना है छोड़ो हाँ चलो देखना चाहता हूं मैं क्या जवाब देते हो आप लोग डंके की चोट पर लेगी क्यों लेगी क्यों लेगी लॉजिक लॉजिक पे पहले जाते हैं फिर कानून पढ़ेंगे ना लॉजिक से अगर समझ में आ जाता है ना सब कुछ फिर कानून पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा क्यों भारत सरकार को आप टैक्स देने के लिए तैयार हो क्योंकि सोर्स इंडिया से आ रहा है यस yes, अग्री करते हो बेटा क्योंकि कमाने की जगह भारत है भारत से कमा रहे हो आप भारत की प्रॉपर्टी है वो फिर चांद पे जाकर रहो आप चांद पे रहो मार्स पे रहो जिधर रहना है रहो टैक्स लेंगे मोदी जी छोड़ेंगे नहीं ठीक है चौथा सवाल पूछू तैयार हो आप लोग मजा आ रहा है कि नहीं बस ऐसा ही है पूरा इनकम टैक्स मजेदार चौथा सवाल आप सबके लिए एक इंडिया का रेजिडेंट है इंडिया में रहता है आपके और मेरे जैसा पूरा टाइम तीन सौ पैंसठ तीन सौ छसठ दिन भारत में ही पड़ा हुआ है एक सेकंड के लिए कहीं जाता नहीं ठीक है अब उसकी यूनाइटेड किंगडम में प्रॉपर्टी है यूनाइटेड किंगडम बोल रहा हूं मैं क्योंकि ऊपर यूके लिखा ना तो एक बच्चा बोलता है उत्तराखंड अब उसको क्या बोलू मैं उत्तराखंड बोलता है वो <laughs> उसको क्या बोलू मैं <laughs> उसको यूके की एक प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है लेकिन है तो बंदा इंडिया का तीन दिन गद्दी इंडिया की गर्म कर रहा है खाना इंडिया का खा रहा है पानी इंडिया का पी रहा है और सड़कें भी इंडिया की यूज कर रहा है तो क्या भारत सरकार टैक्स लेगी क्या नहीं लेगी क्या लगता है तुमको भारत सरकार बोलती है हम इससे भी टैक्स लेंगे ठीक है अब आप बोलोगे सर इससे क्यों ले रहे हो मैं आपको बताता हूं आपके दो सवाल है दो बुनियादी सवाल है मैं आपके सामने रेस कर देता हूं पहले आप बोलोगे सर सर इससे क्यों टैक्स ले रहे हो दूसरा आप बोलोगे इसको दो बार टैक्स लग रहा है पहले बताओ सबको ये डाउट रेस करने की जरूरत नहीं मैं रेस कर दूंगा ठीक है सबसे पहले आप बोलोगे सर ये इससे क्यों टैक्स ले रहे हो सर ये तो प्रॉपर्टी बाहर है इसकी सर और दूसरा सवाल आप पूछोगे कि सर ये यूके में भी तो टैक्स देगा देखो ये यूके में भी टैक्स देगा नो डाउट में देगा, में भी टैक्स देगा ठीक है दोनों जगह देगा। देगा? उसके बाद है है। है, ना, में क्यों पहले सुनो, क्योंकि ये का नागरिक भारत सरकार बोलती जो भी भारत के नागरिक है जो इंडियन सिटीजन है इंडियन रेजिडेंट है सॉरी इंडियन रेजिडेंट है इंडियन रेसिडेंट है इंडियन रेजिडेंट है उनको तो छोड़ेंगे नहीं उनको तो हम लोग ऐसा निचोड़ निचोड़ के एक एक रुपए का टैक्स लेंगे इंडियन रेजिडेंट

भारत या यूके में से कोई एक देश उसको रिलीफ दे देगा अब वो संधि बताएगी किसको रिलीफ देंगे case case किस केस 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 टू बेसिस किस में भारत रिलीफ रिलीफ देता देता है है किस केस में यूके भारत और यूके की डीटी डबल 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 टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा जो सीए इंटर में नहीं है सीए फाइनल में सीए फाइनल में भी अग्रीमेंट नहीं है उसका बस ओवरव्यू है पूरा नहीं है अग्रीमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं वो अकेडमिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना आसान नहीं है

तो होता है डबल टैक्स तो आपको क्या पता चल रहा है सभी कंट्रीज के केस में ऐसा ही होगा यस आपको मैं बताता हूं हमारे बहुत सारे देशों के साथ डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट्स है आपको मैं आप फिर से नॉलेज के लिए बताता हूं ये अगर आप जाओगे भारत सरकार की वेबसाइट पे सब लॉजिकली पढ़ने का एक तो इनकी वेबसाइट मिलती नहीं है यार आधे से ज्यादा चीज किधर किधर डाल के रखे है ना इनको भी नहीं पता दो मिनट रुक जाओ सबकी वेबसाइट खुलती है खाली भारत की गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं खुलती है बस ये देखो ये अग्रीमेंट है ऐसा अग्रीमेंट होता है इंडिया और कैनेडा का ऐसे हमारा लगभग 125 से 130 देशों के साथ है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे बड़े देश इसमें कवर है तो अब बोलना क्या चाह रहा हूं मैं सुनो इधर देखो सब लोग कहना क्या चाहता हूं मैं गौर से सुनना मेरी बात आपने सैटरडे टाइप कर रखा है किधर सैटरडे टाइप कर रखा है ये तो डी टी डबल ही है ना भाई डी टी डबल तो टाइप किया है और क्या किया है पीडीएफ डालूंगा ना तो आ जाएगा शायद खाली इंट्रो आ रहा है बस इनकम टैक्स इंडिया डॉट डॉट इन में डी टी डब्ल आर्टिकल्स के अंदर मिलेगा तो यहां पर जाके सर्च करना पड़ेगा अपने को चलो जाने दो फिलहाल उसको छोड़ो यहां देखो तो अब इस चार एग्जाम्पल को आप गौर से देखना पहला वाला एग्जाम्पल इन चारों का मतलब समझने की कोशिश करो ठीक है पहला वाला एग्जाम्पल यूके का रेजिडेंट है यूके में पैसा कमा रहा है तो इंडिया में टैक्स नहीं देगा इंडिया से इसका कोई रिलेशन नहीं है ठीक है रहता भी वहीं पर है कमाता भी वहीं है तो क्यों टैक्स देगा बहुत सिंपल है दूसरा रहता भी इंडिया में है कमाता भी इंडिया में है जैसे हम सब है हम सब रहते भी इंडिया में है कमाते भी इंडिया में है तो यहां तो टैक्स देना ही पड़ेगा ठीक है तीसरा रहता यूके में है ठीक है और प्रॉपर्टी कहां पर है प्रॉपर्टी इंडिया में है तो क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया में है सोर्स इंडिया में है तो टैक्स देना पड़ेगा और चौथे वाले पे सबसे ज्यादा गौर करना क्योंकि यहीं से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर शुरू होएगा ठीक है, है तो भी इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आप रहते इंडिया में हो क्यों सर देखो आप लोग सब लोग सोचो और मुझे बताओ कि टैक्स लेने का क्या ऑब्जेक्टिव है क्यों ले रही है टैक्स गवर्नमेंट बताओ क्या कर रही है गवर्नमेंट टैक्स लेकर उसका क्या यूज है डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसके लिए पेड़ पौधों के लिए डेवलपमेंट कर रही है हां जानवरों के लिए कर रही है किसके लिए कर रही है जो इंडिया में रहता है उसके लिए करेक्ट अब अगर सारे इंडियंस यही करेंगे कि रहेंगे इंडिया में प्रॉपर्टी बाहर रखेंगे सब इंडियंस यही रहेंगे प्रॉपर्टी बाहर रखेंगे इंडिया में नहीं खरीदेंगे बाहर खरीदेंगे और उसको रेंट पे देंगे तो क्या भारत सरकार टैक्स नहीं लेगी उनसे बताइए या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये बताइए प्लीज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये बताइए आज अंबानी के पास इतना बिलियंस ऑफ डॉलर अगर वो सारा का सारा पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रहा है बाहर से पैसा कमा रहा है रहता है इंडिया में सुविधा सारी इंडिया की यूज करेगा लेकिन पैसा बाहर रखेंगे तो टैक्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए डेफिनेटली लेना चाहिए देर फॉर टैक्स लेने का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो इनकम टैक्स के अंदर है ना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ टैक्स इज रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है टैक्स लेने का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस है किसी ने सवाल पूछा है वो देख देता हूं सर जो थर्ड केस है उसमें यूके के लिए वो फोर्थ केस है जो क्या बोलना चाहता है हाँ, बराबर बात है श्लोक सही बात है सही बात है रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाना बहुत जरूरी है ठीक है कि बंदा भारत का रेजिडेंट है या बंदा भारत में क्या है नॉन रेजिडेंट है किससे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए बताओ भारत में किससे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए ज्यादा ज्यादा टैक्स देने के लिए कौन हकदार है किससे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए रेजिडेंट से क्योंकि रेजिडेंट देश की सुविधा यूज कर रहा है रेजिडेंट देश में सड़कें यूज कर रहा है रेजिडेंट देश में सरकारी स्कूल यूज कर रहा है रेजिडेंट देश का पानी इस्तेमाल कर रहा है रेजिडेंट देश की हवा यूज कर रहा है रेजिडेंट देश के ब्रिज यूज कर रहा है रेजिडेंट देश के हॉस्पिटल यूज कर रहा है रेजिडेंट देश की सिक्योरिटी यूज कर रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी का फायदा उसको हो रहा है बॉर्डर पे जवान जो खड़े हैं वो उसकी सिक्योरिटी के लिए खड़े खड़े यूके के रेजिडेंट के लिए नहीं खड़े Therefore, आप लोग ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि भाई टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा वो बात की बात है लेकिन वो पता लगाने के लिए स्टेटस एक इंसान का पता होना बहुत जरूरी है ये मानते हो कि नहीं मानते हो प्लीज बोलो उसी से मैं अपना डिस्कशन आगे बढ़ाऊंगा जब तक इनकम टैक्स के नजरिए में नजर से आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि ये बंदा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है तब तक हम उसका टैक्स नहीं निकाल पाएंगे टैक्स निकालने के लिए किसी भी बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाना पड़ेगा पहले तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस जो हम निकालने वाले हैं, वो हम रेजिडेंशियल स्टेटस जो हम निकालेंगे वो हम अलग अलग किस्म के पर्सन के लिए निकालना पड़ेगा और पर्सन में कौन कौन आता है बताओ हर एक किस्म के पर्सन के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा बताओ कौन कौन आता है पर्सन में सबसे पहले इंडिविजुअल्स आते हैं। एक इंडिविजुअल कब रेसिडेंट बनेगा फिर एच आता है फिर पार्टनरशिप फॉर्म आता है फिर उसमें एल आता है राइट फिर एओपी बीओवाई आता है कंपनी आता है राइट ये सबके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस में है वो ये है ये निकालने में हमको पूरा एक लेक्चर चला जाएगा आज का लेक्चर और कल का लेक्चर सिर्फ इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने में और ये सबका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने में हमको दस मिनट लगेंगे बहुत ना इंसाफी है, है क्या नहीं है बहुत ना इंसाफी बोलिए <laughs> अरे बोलिए ना इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे बड़ा है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बड़ा है कॉम्प्लिकेटेड इनकम टैक्स में कुछ भी नहीं है ये चीज पहले दिन से दिमाग में लग के चलो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सब बहुत सिंपल है सबसे आसान सब्जेक्ट है हाँ बड़ा सब्जेक्ट है लेंदी है तानिया का एक सवाल है पहले वो एड्रेस कर देता हूं दो तीन बार पूछ रही है सर थर्ड केस में यूके लेगी ना यूके भी फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूके के बीच का अपने को अग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा जहां भी डबल टैक्स टैक्स होगा अग्रीमेंट पढ़ो और डिसाइड करो कौन देश लेगा ठीक है लेकिन हम लोगों को यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करना है हमको सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है इंडिया कब कब टैक्स लेगा वो बात करेंगे हम लोग ठीक है डबल टैक्स हो रहा है तो होने दो हो रहा है तो होने दो ठीक है श्लोक खत्री तेरे ही सबसे ज्यादा सवालों के जवाब देता हूं मैं और तू ऐसे कंप्लेन करेगा कि सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हो सर सबसे ज्यादा सवालों के जवाब मैं तेरे ही देता हूं सबसे ज्यादा इतने सवाल कोई पूछता भी नहीं है ठीक है मैं थोड़ी देर में जवाब देता हूं अभी मेरा मोमेंटम टूट जाएगा लेक्चर के एंड में पूछ लेना बेटा अब जो भी सवाल होंगे ना पिछले चैप्टर के लेक्चर के एंड में पूछ लो मैं रुकूंगा डोंट वरी ठीक है हाँ इधर देखो ये मोमेंटम नहीं तोड़ना है मुझे हाँ इधर देखो जरा सर इन सबका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना जरूरी है हाँ जरूरी है बहुत जरूरी है अगर रेजिडेंट है तो बहुत टैक्स देना पड़ेगा रेजिडेंट है तो इंडिया में भी टैक्स दो बाहर का भी टैक्स दो सब टैक्स दो अंबानी रेजिडेंट है उसको पूरी दुनिया का टैक्स देना पड़ता है यहां पर पूरी दुनिया का ठीक है सर तो अभी एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं सर यस yes. सबसे पहले इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल का रेसिडेंट बनेगा सुनो बोर्ड पे देखना प्लीज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल प्लीज बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से कल से लेकर आज तक इतना ध्यान आपने नहीं दिया था उससे कहीं ज्यादा ध्यान आपको देना है क्योंकि अभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इसमें मल्टीपल कैटेगरीज है कैटेगरी वन सर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब बनेगा

कैटेगरी वन सर एक इंसान कब रेजिडेंट बनेगा प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस में वो कब रेजिडेंट बनेगा सर सुन लो अच्छे से एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया

अगर करंट ईयर में भारत में एक दिन रह गया तो उसकी लंका लग गई क्या बन गया वो बताइए क्या, क्या बन गया वो क्या बन गया वो रेजिडेंट बन गया अससी तो है ही वो पहले से ही है वो रेजिडेंट अससी बन गया रेजिडेंट सर किसके लिए एप्लीकेबल है सबके लिए फिर आप इंडियन सिटीजन हो या फॉरेन उससे फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है जब नोट डाउन करना होगा तब बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा ठीक है वेट करो सबके लिए ये मिसाल के तौर पर अगर हमारी मेलोनी चाची मेलोनी चाची को जानते हो आप लोग हां अरे बोलो ना भाई और बहनों <laughs> लास्ट बैच वाले बहुत मजाक उड़ाते थे मेलोनी चाची का अगर मेलोनी चाची यहां पर आके रह जाती है भारत में ठीक है कितने दिन के लिए 182 डेज पूरे साल में कभी भी कंटिन्यूसली 182 डेज नहीं रहना है कंटिन्यूसली 182 डेज नहीं रहना है पूरे साल में एक अप्रैल से लेकर इकतीस मार्च के बीच में काउंट करना है कि 182 एटी टू डेज हो जाना चाहिए दो महीना रहे फिर चले गए फिर दो महीना रहे फिर चले गए फिर दो महीना रहे फिर चले गए फिर दो महीना रहे फिर चले गए तो भी फंस जाओगे अरे डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड टाइम लगेगा ये सब चीज में मैंने इसलिए बोला आज का एक घंटा और कल का तीन घंटा टाइम लगेगा इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस में हर एक प्रोविजन बहुत बारीकी से बोलूंगा हर एक प्रोविशन पे प्रॉपर एग्जाम्पल्स लिखाऊंगा फ्री में आगे बढ़ूंगा ये सब लिखवाऊंगा मैं आपको अभी इज इट क्लियर बोलो इज इट क्लियर कितने कंडीशन है यहां पर रेजिडेंट बनने के कितने कंडीशन दिए भारत सरकार ने एक कंडीशन ओनली वन कंडीशन दैट्स इट

ठीक है सर ये पॉइंट सबको समझ में आ गया बेटा जल्दी बोलो जल्दी बोलो तो मैं आगे बढ़ता हूं अगले पॉइंट की तरफ ठीक है अच्छा मान लो बंदा 180 टू डेज से कम रहता है तो बच जाएगा रेसिडेंट से हाँ वन एटी टू डेज से कम रहता है तो बच जाएगा ना तो भारत सरकार ने बोला उसके लिए कैटेगरी टू भी है सबके लिए ये, इंडियन सिटीजन और फॉरेन अब कैटेगरी टू में सुनो दो कंडीशन है कितनी दो कंडीशन और दोनों फुलफिल करना है तो रेसिडेंट बनोगे ठीक है देखो अव्वल तो आप कोशिश करो कि पहले एससी को यहां फसाओ टैक्स पेयर को यहां फंसाओ अगर यहां फंस जाता है तो फिर सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है कैटेगरी टू इज इट क्लियर अगर फर्स्ट में रेसिडेंट बन गया तो सेकंड क्यों चेक करना है फिर चेक मत करो फिर अगर फर्स्ट से बच जाता है वो वन डेज से कम रहता है तो सेकंड में फंसाएंगे सुनो सेकंड में दो कंडीशन है पहला ही स्टेज इन इंडिया इन करंट प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर फॉर सिक्सटी डेज और मोर एंड करंट ईयर में साठ दिन रहता है अगर साठ दिन सिक्सटी डेज एंड ही स्टेज इन इंडिया इन लास्ट फोर ईयर्स फॉर थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर जब मैं लास्ट फोर ईयर्स बोलता हूं तो वो फोर ईयर्स कौन से है? सुन लो करंट ईयर का छोड़कर पिछले चार साल बाईस तेईस इक्कीस बाईस बीस इक्कीस उन्नीस बीस बहुत आराम आराम से सुनना है हर चीज बहुत आराम आराम से सब पे एग्जाम्पल लिखवाऊंगा और क्लैरिटी आएगी ठीक है बोर्ड पे देखो हम सब कहां पर फंस रहे बताओ हम सब कहां पर फंस रहे जल्दी बोलो हम सब तो वन में ही आ गए कैटेगरी वन में ही मर गए हम हम तो आ गए डेज यहीं पर है हम तो हमको तो जाने की जरूरत भी नहीं है कैटेगरी टू में किसके लिए जाओगे आप बताओ किसके लिए जाओगे जो जो वन में नहीं है ठीक है अरे यार, यार ये जवाब यार क्या श्लोक कुछ भी बात कर रहा है यार ऐसे मैंने बोला क्या बेटा गलत जवाब मत दो मेरा बहुत दिल दुखता यार सुन लो अभी रुक जाओ सब लोग वापस से जवाब अभी बात में दो कैटेगरी टू में कौन जा कहा कब जाओगे तो ये लोग बोल रहे फॉरेनर्स जाएंगे ऐसा मैंने बोला क्या कैटेगरी टू में फॉरेनर्स जाएंगे ये ये है क्या यार ये ऊपर क्या लिखा है यार, श्लोक यार जो फर्स्ट में नहीं आता है वो सेकंड में जाएगा तो फर्स्ट में कौन नहीं आता है बोलो ना जो एक दिन से कम वाले केस सेकंड कैटेगरी में जाएंगे इज इट क्लियर अरे इज इट क्लियर और नॉट यार ठीक है अब सब एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा पहले प्रोविजन तो बोल देने दो अब नीचे एक नोट लिख रहा हूं गौर से सुनना है नोट को द डे वेन अ इंडिविजुअल leaves india and the day when he come back to india both will be considered as if he has stayed in india मतलब क्या है सर मतलब सुनो मतलब मैं 15 अप्रैल को 2023 को इंडिया छोड़कर चला गया और उनतीस अप्रैल 2023 को इंडिया में कम आ गया तो इस सेंटेंस के हिसाब से बताइए आप कितने दिन इंडिया के बाहर थे काउंट करो उंगलियों पे चाहिए तो जिस दिन इंडिया छोड़कर जाते हो वो मानने का कि वो दिन इंडिया में थे और जिस दिन वापस आते हो वो भी मानने का इंडिया में ही थे जबरदस्ती देखो इनकी तो पंद्रह तारीख आप क्या मानोगे इंडिया में थे कि बाहर थे पंद्रह तारीख आप मानोगे कि इंडिया में थे तो कब से बाहर मानोगे फिर कब से बाहर मानोगे बाहर की कौन सी तारीख से मानोगे कि आप बाहर थे सोलह तारीख से सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस पांच दिन ये हो गए इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस 27, 28 कितने दिन इंडिया के इंडिया के बाहर माना जाएगा बताइए अरे भाई पंद्रह तारीख माना जाएगा आप इंडिया में हो उनतीस तारीख भी माना जाएगा आप इंडिया में हो इसका मतलब कब से लेकर कब तक माना जाएगा आप इंडिया के बाहर हो सोलह तारीख से लेकर अट्ठाईस तारीख तक यस और नो सोलह से अट्ठाइस कितने दिन होते कितने दिन होते ये तेरह दिन माना जाएगा कि आप इंडिया के बाहर हो आर यू क्लियर जिस दिन इंडिया छोड़ के जाते हो मानो इंडिया में जिस दिन इंडिया में वापस आते हो मानो इंडिया में आर यू क्लियर जल्दी बोलो क्लियर है अब ये दो कंडीशन में अगर किसी को कोई डाउट्स है तो पूछो किसी को तो कुछ डाउट्स है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं यस yes, एंड्रेस तो मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखूंगा उसके बाद में मैं ये कंडीशंस भी लिखवाऊंगा और एग्जांपल भी लिखवाऊंगा दोनों लिखवाऊंगा हाँ कंडीशन टू एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए देखो कंडीशन टू में क्या चेक करना है पता है आपको अगर आप कंडीशन वन में नहीं आते हो तो कंडीशन टू में आओगे पहले अव्वल तो आपको क्या चेक करना चाहिए सब लोग बोलो अव्वल तो आपको क्या चेक करना चाहिए अव्वल वन एटी टू डेज रह रहा है कि नहीं रह रहा है अगर रह रहा है तो ये कंडीशन टू छोड़ दो फिर कुछ काम की नहीं है ये कंडीशन टू ठीक है इसका कोई मतलब नहीं है फिर ये कैटेगरी टू छोड़ दो इसको लेकिन अगर 182 से कम रह रहा है तो आपको क्या चेक करना है बताइए हाँ सब बताऊंगा अस्मित तो रुक जाओ अभी तो फिर चेक करना है कि करंट ईयर में 23 24 में आप कितने दिन रह रहे थे कम से कम कितने दिन रहना पड़ेगा तेईस चौबीस में 60 और पिछले चार सालों में मिलाकर मिलाकर है, इंडिविजुअली नहीं है मिलाकर है चार साल का मिलाकर है वो मिलाकर तीन सौ पैंसठ दिन मतलब लगभग ऑन एन एवरेज नाइनटी नाइनटी वन डेज हर साल रहना पड़ेगा करेक्ट तो तीन सौ पैंसठ हो जाएगा करेक्ट और नॉट हाँ, तो नॉन हो जाएगा अच्छा आप यहां से भी बच जाते हो अरे सब समझेगा कर जरा पेशेंस पेशेंस रख ठीक है रखोगे नहीं ना तो तीन घंटे का काम दो मिनट में नहीं हो सकता है मैं आपको पहले बोल रहा हूं आपको पेशेंस रखना पड़ेगा मैं पचास अलग किस्म से आपको बतवाऊंगा ठीक है तुम सबर रखो खाली बस अच्छा अगर यहां भी बच गए यहां भी बच गए तो आप अपने आप को क्या बोलोगे फिर हाँ तो फिर नॉन रेजिडेंट बोलोगे ठीक है अब कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछ ले रहा हूं जवाब दे देना ठीक है अच्छा सबसे पहले क्या चेक करोगे पहले ये चेक करोगे ये condition. ये कंडीशन फुलफिल कर लिया तो अपने आप को क्या बोलोगे जल्दी बोलो रेजिडेंट बोलोगे चलो ठीक है मान लो ये फुलफिल नहीं किया ये फुलफिल नहीं किया तो फिर यहां आना पड़ेगा करेक्ट इसका पहला फुलफिल किया दूसरा नहीं किया तो क्या बोलोगे तो नॉन रेसिडेंट बोलोगे क्योंकि यहां दोनों फुलफिल करना है बहुत लिखा है हा इसका दूसरा फुलफिल किया पहला फुलफिल नहीं किया तो क्या बोलोगे अपने आप को तो फिर नॉन रेसिडेंट की तरह तो आपको ट्रीटमेंट किया जाएगा ठीक है इज इट क्लियर हाँ अब कुछ मैं एग्जाम्पल डालूंगा ना तो ही क्लियर होगा सिर्फ बोलने पे क्लियर नहीं होता है कभी भी क्लियर नहीं होगा मेरा कितना भी बोल दो और आप लोग अगर बोल भी रहे हो ना सर हमको क्लियर हो गया तो भी मैं नहीं मानूंगा ये चीज जब तक मैं इसके ऊपर एग्जांपल्स नहीं लिखाऊंगा आपको पहले मैं अपने एग्जांपल्स दिखाऊंगा उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट के एग्जांपल्स करवाऊंगा तब जाकर हमको क्या होगा इस पे क्लैरिटी आएगी ठीक है अब एक एग्जांपल एक डाल रहा हूं बोर्ड पे जरा ध्यान से सुनना मिस्टर ए Has stayed in India in previous year twenty three twenty four for one hundred and ninety five days and last four years. एस फॉलोस प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू प्रीवियस नाइनटीन ट्वेंटी ठीक है अभी सब टीचर इस पर क्या प्रोविजन बोलते छोड़ देते ठीक है ऐसा नहीं कर सकते हम लोग हम लोग को इस पर एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे यहां पर एक सौ पांच दिन रहा था मैं यहां पर एक सौ दस दिन रहा था मैं यहां पर सौ दिन रहा था मैं और यहां पर एक सौ दस दिन रहा था मैं ठीक है अब अपने को बताना हिस बोलो रेजिडेंशियल स्टेटस और आपको कैटेगरी भी बताना है फॉर प्रीवियस या ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी कौन सी कैटेगरी के हिसाब से रेजिडेंट बन रहा है नॉन रेजिडेंट बन रहा है जो भी है वो बताना है ठीक है बोलो पहले ये कौन सी कैटेगरी में फंसेगा कैटेगरी वन में आ जाएगा ये क्या इसके केस में पिछले चार साल का डेटा देखना जरूरी है पिछले चार साल की मगजमारियों में पढ़ना है हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है कैटेगरी वन के हिसाब से रेजिडेंट है इज इट क्लियर तो सब लोग ना एक काम करो भी पहले प्रोविजन लिख लो फिर हम लोग अभी एग्जाम्पल एक, एक के बाद एक के बाद लिखते रहेंगे साथ में लिखेंगे फिर वो पहले प्रोविजन प्रोविजन लिख लोगे ना एक बार तो क्या भी याद हो जाएगा लिखते लिखते फिर सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से याद होगा करेक्ट तो लिख लो पहले सब लोग नोटबुक ओपन करो लिख लो कितना टाइम दे रहा हूं मैं पांच सात मिनट देता हूं आपको लिखो तो तब तक ठीक है ठीक है बेटा अरे ठीक है हाँ ये लिखो सब लोग हो जाएगा एनी बडी फ्रॉम गाजियाबाद यहां तक लिख लो सब लोग बेटा हो जाएगा तो बताओ जरा फास्ट फास्ट लिखो थोड़ा स्लो नहीं फास्ट हाथ चलना चाहिए सबका ठीक है और क्या हाल है आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों का वाशु आकृति अभिषेक अरिका आकाश रॉय अनामिका आर्यन अस्मित चंद्र शेखर गर्वित हर्षा कंचन करण प्रताप कशेश खुशी सिंगला किशित प्रगत प्रग परिग्या प्राजवाल नेहा चौहान आप लोग कौन कहां से बोल रहे हो कौन से शहर से कौन बात कर रहा है देहरादून लुधियाना ग्रेटर नोएडा देहरादून दिल्ली रामपुर दिल्ली यूपी कोलकाता जोधपुर गाजियाबाद जम्मू हरियाणा सांगली जयपुर कोलकाता रामपुर एनसीटी कोलकाता गढ़वाल गाजियाबाद यहां तक हो गया सबका लिखकर मैं हट जाता हूं थोड़ा सा यहां तक हो गया जिसका नहीं हुआ वो फोटो ले लो फिर बाद में लिख लेना ठीक है अब ये एग्जाम्पल आप लोग लिख लो फिर इसका आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ ऐसे ही हम लोग लिख नहीं देंगे बस कि हाँ नॉन रेजिडेंट है रेजिडेंट है प्रेजेंट करना पड़ेगा आंसर प्रॉपरली उसको इंग्लिश में ठीक है उसका आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं उसके बाद इसके नीचे लिख लेना आंसर ठीक है हाँ, सर ये तो कैटेगरी टू में भी आ जाएगा लेकिन कैटेगरी टू में आपको जाना ही नहीं है अगर आप कैटेगरी वन में आ जाते हो तो ठीक है कैटेगरी टू में तब जाना है जब आप कैटेगरी वन में नहीं आते हो तब जाना है जबरदस्ती मत जाओ वहां पर पहला प्रायोरिटी कैटेगरी वन को देना है फिर दूसरा प्रायोरिटी कैटेगरी टू को देना है ठीक है कर लिया सबने ये नोट व्हाट्सएप ग्रुप में अब भी बना देता हूं रुको अब भी एक ग्रुप बना देता हूं Take care. अभी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजना सबको अभी के अभी ज्वाइन कर लेना सब लोग ठीक है या लेक्चर के बाद भेजा हूँ देखो जूम के चैट में और जो यूट्यूब से देख रहे हैं और उनको यूट्यूब पे भेज रहा हूँ ठीक है चेक कर लो मिला नहीं मिला अभी चेक करो अरे दिखाए ना नोट और कितना दिखाओ फोटो यार चलो सुनो अभी अब इसका जवाब कैसे लिखेंगे सुनो आंसर लिखने का एक तरीका होता है प्रेजेंटेशन का प्रोविजन लिखने का फिर आंसर लिखने का डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हो तो कैसे लिखेंगे पॉइंट नंबर वन एन इंडिविजुअल मेरे साथ लिखो एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेसिडेंट इज सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया if he stays in india in current previous year 23 24, for 182 days 182 day 182 or more days okay ऐसे पहले प्रोविजन लिखने का समझ आया बेटा देखो प्रोविजन पढ़ना बहुत आसान है लिखना डिफिकल्ट होता है लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए अपने को शुड स्टे इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन द करंट केस फिर करंट केस में क्या हुआ वो बोलने का इन द करंट केस मिस्टर हैड अ स्टे ऑफ Had stay in India for one ninety five days. Therefore, for previous year two thousand twenty three twenty four, he is resident. Is it clear? Jaldi bolo. is what resident. बोलो इज इट क्लियर बेटा सबको बस ऐसे ही लिखना है इंग्लिश में और क्या और क्या लिखोगे आप हाथी घोड़े लिखोगे क्या बस ऐसी लैंग्वेज है हाँ सेक्शन नंबर वो सब मैं बाद में बताऊंगा ठीक है अगर आपको सेक्शन नंबर भी लिखना है तो यहां पर आप लिख सकते हो सेक्शन नंबर सिक्स ऐसी थीके? देखो सेक्शन नंबर क्या होता है पता है? खाना बनता है ना खाना खाने के ऊपर तड़का होता है सेक्शन नंबर तो पहले खाना बनाते हो के पहले तड़का लगाते हो ये बताओ पहले खाना बनाओगे कि पहले ही तड़का लगा दोगे पहले तड़का लगा देते हो तुम अलग दुनिया के इंसान हो कुछ अलग ही खा रहे हो तुम ऐसे रेडी होगी ज्यादा तड़का मत लगाओ खाना अच्छे से बनाओ पहले उसके बाद सेक्शन नंबर पे भी फोकस करेंगे ठीक है डोंट वरी किसी को लिखना है लिखो सेक्शन नंबर सिक्स ठीक है एग्जाम्पल नंबर टू दो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर दू क्या हाँ? एक एग्जाम्पल दे दू आप लोगों को बोलो हाँ मेरे साथ लिखो एग्जाम्पल मिस्टर ए मिस्टर ए लेफ्ट इंडिया फॉर विजिटिंग यूएसए ऑन Fifteenth of June, two thousand twenty three. He came back to India on fifteenth of March, two thousand twenty four. His stay in India in last four years is as follows. Previous year 2223. Previous year 21 22. Previous year 2021. 20, Previous year 1920. Hundred days, hundred and five days, hundred and ten days, and hundred days, not hundred, sixty days. आंसर बताओ पहले आंसर ओरली बताओ और फिर हम लोग लिख के लिख के इसको करेंगे पहले सब लोग कैलकुलेटर उठाओ जो करना है करो और बताओ इंडिया में कितने दिन रहा है वो ठीक है इंडिया में कितने दिन रहा है करंट ईयर में करंट ईयर में इंडिया में कितने में कितने कितने दिन दिन रहा रहा है है वो करंट ईयर अरे भाई पंद्रह जून को वो इंडिया छोड़ के चला गया था और फिर डायरेक्टली मार्च में आया ठीक है इंडिया में कितने दिन होते ये मेरे को कैलकुलेट करने सबको आता है क्या पहले वो चेक करना है ठीक है तो अभी कोई आंसर नहीं लिखेगा मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं ठीक है मैं यहां पर रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं ये कोई आंसर नहीं है अप्रैल में कितने दिन रहा बोलो कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं ये रफ कैलकुलेशन है अप्रैल में कितने दिन तीस दिन इंडिया में था वो करेक्ट अरे जवाब दे दो अपने आंसर छोड़ दो आप मेरे सवाल के जवाब दो बेटा आप लोग प्लीज अपना आंसर छोड़ दो अब मेरे सवालों के जवाब दो, अप दो, दो। अप्रैल में कितने दिन था वो तीस दिन था मई में मई में इकतीस दिन जून में कितने दिन इंडिया में माना जाएगा उसको यहां पर आपका टेस्ट है अब आप बराबर से पढ़ रहे हो कि नहीं प्रोविजन समझ रहे हो कि नहीं पंद्रह दिन माना जाएगा जिस दिन छोड़ के जा रहा है वो भी इंडिया में माना जाएगा बताइए यस yes. जिस दिन छोड़ के जा रहा है वो भी इंडिया में ही माना जाएगा पंद्रह जून भी माना जाएगा वो इंडिया में ही था उसके बाद जुलाई होगा सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक वो इंडिया में था ही नहीं उसके बाद डायरेक्टली वो मार्च दो में आया ठीक है मार्च 2024 में 15 मार्च से 31 मार्च कितने दिन होते हैं बताओ अब करने, अगर नहीं आता है, तो मेरे को माफ कर दो नहीं तो का मार्च. मार्च काउंट करोगे हाँ इंडिया में आ गया वापस पंद्रह पहले ये बताओ पंद्रह मार्च को काउंट करोगे कि नहीं करोगे करेंगे जिस दिन इंडिया वापस आ गया वो भी काउंट करेंगे तो अभी नहीं आता कैलकुलेट करने तो एक ही ऑप्शन है उंगली पे करो और क्या पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाइस उनतीस तीस इकतीस कितने दिन हुए भाई कितने दिन हुए एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं करने का उसके वजह से पूरा आंसर बदल सकता है एग्जाम के अंदर सत्रह दिन होते हैं इज इट क्लियर तो टोटल कितने होते हैं बताओ तीस प्लस इकतीस प्लस पंद्रह प्लस सत्रह कितने होते हैं नाइनटी थ्री डेज इंडिया में है उसके इज इट क्लियर ये एग्जाम में आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा सम के अंदर ठीक है तो बताओ करंट ईयर में कितना दिन हो गया उसका 93 days. 93 days नहीं बनोगे तो क्या कैटेगरी टू में नहीं बन सकते हो बन सकते हो क्यों नहीं बन सकते हो तो कैटेगरी टू के हिसाब से रेसिडेंट है नहीं वो? 2 में दो कंडीशन है क्या वो दोनों फुलफिल कर रहा है बताइए हाँ करंट ईयर में सिक्सटी डेज रहना है रह रहा है और पिछले चार साल में तीन सौ पैंसठ दिन रहना है मिलाकर तीन सौ चार पिछले चार साल में तीन सौ पैंसठ दिन हो रहा है क्या बोलो बोलो यस हो रहा है तीन सौ पिछहत्तर हो रहा है अगर आप टोटल मारो तो ठीक है क्रिस्टल क्लियर ये बताओ क्लियर से काम नहीं चलता है अपने इधर क्रिस्टल क्लियर होना मांगता बोलो देखो तीन घंटे का प्रोविजन है और भी बहुत सी चीजें इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे हर एक प्रोविजन को लिखाऊंगा उस पर एग्जाम्पल पूरा सिलेबस ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको ताकि आपके पास एक जबरदस्त नोटबुक होगी जिसमें से आप छह महीने बाद भी बुक खोल के ओपन करके खुद से भी पढ़ोगे ना खुद से भी तो आपको सब याद आ जाएगा कि टीचर ने क्या बोला था ठीक है इज इट क्लियर अब इसका आंसर लिखते हैं चलो आ जाओ पॉइंट नंबर वन एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया एफी स्टेस In the current previous year for sixty days or more, and in the last four previous years for Three sixty five days or more. Point number two, Mr. A has stayed for ninety three days in the current previous year. अब ब्रेकअप देने का ब्रैकेट में ठीक है ब्रेकअप देने का अप्रैल में अप्रैल 2023 थाउजेंड डेज, मई 2023 31 मे थाउजेंड जून 2023 थाउजेंड दिन एकदम क्लियर बताने का एग्जामिनर को भाई मेरे को सब आता है सब आता है देख कितना अच्छे से लिखा हो आंसर मैंने मार्च 2024 कितना होता है सत्रह दिन ठीक है इस तरीके से 93 थ्री डेज ठीक है फर्दर इन द लास्ट फोर प्रीवियस ईयर्स हैज स्टेड फॉर थ्री सेवेंटी फाइव डेज ब्रैकेट में ब्रेकअप दे दो ठीक है लास्ट चार साल में कितने दिन हो गए उसके 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 60. अरे बेटा लीप ईयर का यहां पर कहा इंप्लीकेशन आएगा मेरे को बताओ फरवरी होता तो लीप ईयर का आता वो तो मार्च में आया ना इंडिया में तनिष्का बराबर ना अगर वो पंद्रह फरवरी को आता तो मैं लीप ईयर भी कंसिडर करता बेटा सबको समझ आया है, डाउट क्योंकि दो हजार चौबीस है। अगर वो है फरवरी को आता तो फिर मैं पंद्रह फरवरी से उन्तीस फरवरी तक काउंट करता यस फिर मार्च काउंट करता लेकिन वो आया ही अप्रैल में आया ही मार्च पंद्रह को इसलिए मैं लीप ईयर को यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ अदरवाइज हमको ईयर का बहुत ध्यान देना है इस साल में जो हम लोग देंगे ध्यान डोंट वरी उस पर भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा लीप ईयर से रिलेटेड सिंस मिस्टर ए फुलफिल्स बोथ द कंडीशन देर फॉर इज वॉट रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर 23-24 इज इट क्लियर अब दुबई में भी प्रॉपर्टी होगी तो टैक्स देना पड़ेगा यूके में भी प्रॉपर्टी होगी तो टैक्स देना पड़ेगा रेजिडेंट बन गए हो भाई आप यहाँ का खा रहे हो यहाँ पे घूम रहे हो यहीं का पानी पी रहे हो यहीं की सड़की यूज कर रहे हो ठीक है ज्यादा समय यहाँ बिता रहे हो नो no डाउट आप इंडिया के बाहर गए थे लेकिन समय यहाँ पे बिता रहे हो पिछले चार साल में अच्छा खासा समय बिताए हो इस साल में भी अच्छा खासा समय बिताए हो फंस गए आप रेजिडेंट बन गए वन क्लियर विद दिस जल्दी बोलो उसके बाद मैं रिकैप शुरू करता हूं आज के सेशन का बोलो लिख लिया सबने यस yes. पहले प्रोविजन लिखने का देखो कैसे हमेशा यादर आदत डालने का पहले प्रोविजन लिखने का फिर उस प्रोविजन को अपने क्वेश्चन के साथ मैच करने का समझ आया फिर कंक्लूजन ठीक है बहुत ही प्यारा तरीका है आंसर लिखने का इज इट क्लियर इंस्टीट्यूट भी इतने प्यारे तरीके से हर क्वेश्चन में नहीं लिखता है इंस्टीट्यूट बहुत इनकंसिस्टेंट है किधर क्या किधर क्या किधर क्या किधर क्या सब जगह अलग अलग बताऊंगा मैं उनकी हरकत है तुमको ठीक है हाँ तो अभी रिकैप करेंगे आज का सेशन सब लोग बोर्ड पे देखना शुरू करो हाँ हो सकता है श्लोक पॉसिबल है वो भी ठीक है चलो आज के सेशन में हमने सबसे पहले क्या शुरू किया था चार्जिंग सेक्शन अभी मेरा टाइम खत्म आप लोगों का टाइम शुरू प्लीज ईमानदारी से जवाब देते जाना बेटा प्लीज मेहरबानी करना मुझ पे और अपने आप पर भी चार्जिंग सेक्शन में हमने सबसे पहले शुरू किया प्रीवियस ईयर का मतलब बताइए चार्जिंग सेक्शन में प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है प्रीवियस ईयर कौन सा साल होता है उस साल में आप क्या करते हो बताइए प्रीवियस ईयर कौन सा साल होता है उस साल में आप क्या करते हो उस साल में आप इनकम अर्न करते हो ठीक है क्या प्रीवियस ईयर बारह महीने से कम भी हो सकता है बारह महीने से कम भी हो सकता है प्रीवियस ईयर कम हो सकता है कम छह महीने का दो महीने का तीन महीने का एक महीने का एक दिन का दो दिन का बोलो ना बेटा हो सकता है ठीक है अगर बिजनेस करंट ईयर में शुरू हो रहा है तो कम भी हो सकता है ठीक अच्छा, है अच्छा बोलते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो इनकम कंप्यूट कर ही नहीं सकता हूं मैं टैक्स निकाल ही नहीं सकता हूं तो असेसमेंट ईयर में ही निकालना पड़ेगा लेकिन कुछ एक्सेप्शन दिए हैं सरकार ने जिसमें बोला है कि नहीं आज ही टैक्स निकालना पड़ेगा बताइए वो कौन है नालायक नंबर वन नालायक नंबर वन कौन है पर्सन लिविंग इंडिया परफेक्ट किसी भी ऑर्डर में बोलो चलेगा दूसरा नालायक नंबर टू शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट फिरंगी इंडिया में शिप लेके आता है पैसा कमाता है भाग जाता है टैक्स दे अब भी नहीं तो छोड़ेंगे नहीं जाने नहीं देंगे तुझे क्या समझ के रखा है हमको तूने तीसरा

Person लिखा है तो पर्सन में कौन कौन आता है जल्दी 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 जल्दी, जल्दी बोलिए इंडिविजुअल छोड़ के लोकल अथॉरिटी मत भूलना वो भी एक पर्सन है परफेक्ट बेटा परफेक्ट ग्रेट ग्रेट आकृति ग्रेट सुदीक्षा ग्रेट आरिका लोविश ने आरोहित अभिषेक सुमित महक माधव रितिका कौन है है मेरे नाम वाला हिमानी मेरी फीमेल वर्जन है आरिशा? हिमानी, चलो ठीक है और अदर जुडिडिकल पर्सन में जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा सब ठीक है अच्छा उसके बाद टैक्सपेयर को इनकम टैक्स की भाषा में क्या बोला जाता है टैक्सपेयर को अससी बोलेंगे आज के बाद मैं अससी हूँ एलडाइन सी है, अससी है शर्मा सर अससी है राजकुमार सर अससी है पोपली सर अससी हम सब अससी है अब अससी का मतलब क्या है जो क्या क्या करता है क्या क्या करने वाले को अससी बोलोगे पहला बोलो क्या क्या करने वाले को अससी बोलोगे जो टैक्स भरता है वो अससी है और जो पेनाल्टी भरता है इंटरेस्ट भरता है फाइन भरता है किसी भी किस्म का पेमेंट करता है वो अससी है और जिसके ऊपर क्या चल रही है बताइए कोई कार्रवाई चल रही है प्रोसीडिंग कौन सी प्रोसीडिंग चल रही है इनकम निकालने की प्रोसीडिंग लॉस निकालने की प्रोसीडिंग रिफंड निकालने की प्रोसीडिंग या बोलो या किसी के बिहाफ पे आप बात कर रहे हो माइनर के बिहाफ पे या गंदी नजर वाले को क्या बोला था हमने गंदी नजर से देखती है सरकार किसको देखती है गंदी नजर से असासिन डिफॉल्ट को जो असासिन डिफॉल्ट है करेक्ट जो डिफॉल्ट करता है टैक्स में परफेक्ट 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 तो ये सारे केसेस है तुम्हारे असासी के डेफिनेशन अब बात करेंगे हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस पे क्या टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा यह पता लगाने के लिए एक इंसान का रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है या नहीं है रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट ये पता लगाना जरूरी है क्या नहीं है तो कितनी कैटेगरी पड़ी हमने इंडिविजुअल के रेजिडेंट की अब तक कितनी कैटेगरी पड़ी दो पहली कैटेगरी में आप क्या चेक करोगे और पहली कैटेगरी किसके लिए एप्लीकेबल है फिरंगियों के लिए एप्लीकेबल है देशवासियों के लिए एप्लीकेबल है या सबके लिए एप्लीकेबल है सबके लिए एप्लीकेबल है फिडंगी मिलोनी चाची भी इधर आकर अगर रह जाती है एक सौ बयासी दिन तो मिलोनी चाची फंस जाएगी कि नहीं फंस जाएगी बताइए बताइए फंस जाएगी ठीक <laughs> है तो 182 डेज इंडिया में रह गए आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं उसके बाद आग बंद करो देखो इसलिए ये ऑफिसर है ना ऑफिसर ने देखो क्या क्या पूछा मेरे को देखो ना उस दिन बहुत परेशान करते ऑफिसर लोग मैं आपको बताता हूं थोड़ा नॉलेज के लिए ये जब नोटिस भेजा ना उसने देखो मेरे को क्या पूछा उसने ये पुनः भर के देने बोला देखो ना तुमको समझ में आता है ये सब मांग रहा है ये कौन से साल में कितने दिन रहे थे दिखता है पिछले साल का भी डेटा मांग रहा है वो दिख रहा है क्या दिख रहा है और आप बोलोगे दस साल का क्यों मांग रहा है दस साल का मांग रहा है देखो वो आपको कल पता चलेगा दस साल का क्या फंडा है समझ आ रहा है अरे आर यू के लिए जवाब 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 दो ना तो बदुआ दूंगा तुमको बदुआ बदुआ चाहिए क्या मेरी दुआ चाहिए अगले आठ नौ महीने में हाँ देखो ये सब मांग रहा है बोलता है कि बताओ तुम्हारा क्लाइंट 2014-15 में रेसिडेंट था कि नॉन रेसिडेंट था मैंने बोला नॉन रेसिडेंट था भाई इंडिया में है। सिर्फ 15 दिन था मेरा पूरा साल वो बाहर दुबई में जॉब करता है वो तो उसको मैंने बता दिया नॉन रेजिडेंट था उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है चुप बैठो तुम ठीक है तुम जबरदस्ती परेशान नहीं करो उसके बाद रिप्लाई नहीं आया ऑफिसर का अभी नेक्स्ट रिप्लाई कब आता है देखते हैं ठीक है तो इस तरीके से प्रैक्टिकली चीजें समझना है कंडीशन नंबर वन से बच गए तो कंडीशन नंबर क्या है फिर टू में क्या चेक करना है दो चीज़ कन, दो चीज़ में दो दो चीज चीज साथ चेक करना पड़ेगा एक भी वायलेट हुई तो नॉन रेजिडेंट आर यू क्लियर करंट ईयर में कम से कम सात दिन और पिछले चार साल में तीन सौ पैंसठ दिन कम से कम रहना पड़ेगा तो रेजिडेंट बन जाओगे अब कैटेगरी टू में दोनों चेक करना पड़ेगा दोनों फुलफिल होना चाहिए आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ लास्ट इज जो बंदा जब इंडिया छोड़ के जाता है और इंडिया वापस आता है दोनों दिन क्या माना जाएगा तू इंडिया में ही है ये नहीं माना जाएगा कि आप इंडिया के बाहर हो ठीक है आई होप इट इज हंड्रेड परसेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू पढ़ने की जरूरत है घर जाकर कुछ हाँ ईमानदारी से बोलो कुछ जरूरत नहीं होगी तो बस क्लास में ध्यान दो बस हो गया ठीक है तो कल मिलते हैं फिर बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू बेटा ठीक है हाँ होमवर्क वोमवर्क सब दूंगा अभी और चीजें बाकी है बेटा मैंने बोला ना तीन घंटा बाकी है पूरा इंडिविजुअल का रेजिडेंट बहुत बड़ा है इतना नहीं है ठीक है कल करता हूं मैं शवा ग्रुप का लिंक भेजा ना बेटा मैंने तभी वापस भेज रहा हूं देखो एरिका एरिका सही है एरिका 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 अब सही है ना देखो ग्रुप लिंक नॉट वर्किंग ये मत बोलो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया तो वो ऊपर से तो नहीं टपके ना डायरेक्टली मेरे ग्रुप में तो ग्रुप लिंक सही होगा तो ही आए ना